एनर्जी फ्लो वाले से। तो शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट अ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, कोई डिफाइन कर सकता है क्या? व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? ऑडियो आ रहा है ना सबको? यस यस। हाँ जी कोई डिफाइन कर सकते हैं ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? एनर्जी फ्लो से जो वो बेस के हिसाब से जो ट्रायंगल्स बनते हैं उसमें एनर्जी फ्लो जो पता चलता है वही ट्रॉपिक लेवल। हाँ, मतलब हमारा जो एनर्जी फ्लो डायग्राम रहता है या एनर्जी फ्लो तख्ता रहता है, उसमें हर एक लेवल जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल होता है अपने आप में। ठीक है, सो जो एक ट्रॉपिक लेवल है वो एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी फ्लो डायग्राम के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली ये बताता है कि कैसे एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे से इंटरैक्ट करता है उस एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक कॉमन सा एनर्जी फ्लो डायग्राम कि प्लांट से या जो ऑटोट्रॉप्स हैं वहाँ से कंज्यूमर, जो पहले कंज्यूमर है उसके पास जा रहा है, फिर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है जहाँ पे फर्स्ट कार्निवोर आ रहा है। लास्टली हमारे पास एक टॉप लेवल पे एक सेकेंडरी कार्निवोर है विच इज टाइगर इन दिस केस। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क। तो ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, तो ये हमने कल भी देख लिया था, तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो जो है इट फ्लोज इन अ यूनिडायरेक्शनल वे। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसा होगा कि प्लांट से वो जाएगी एनिमल्स में, एनिमल्स में भी फिर फर्दर लेवल होगी कंज्यूमर, टेरेस्ट्रियल कंज्यूमर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एनर्जी जो है वापस एनिमल्स से प्लांट के अंदर आ रही है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। मोर ओवर, एज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, या लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाता है, तो देर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो लॉस है इसके लिए एक लॉ भी है, आई थिंक 10% लॉ बोलते हैं इसको। कोई एक साइंटिस्ट का नाम भी है इस लॉ के रिगार्डिंग, अभी मैं कोई याद नहीं आ रहा, किसी को याद हो तो बता देना। 10% लॉ बोलते हैं इसको। तो होता क्या है, जैसे सनलाइट आती है एनर्जी की फॉर्म में, वो प्लांट्स पे गिरती है, तो ऐसा नहीं है वो प्लांट सारी की सारी सनलाइट को कन्वर्ट करके फूड बना लेते हैं या कुछ एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। उनके ऊपर जो इंसिडेंट सनलाइट होती है उनमें से केवल 10% एनर्जी वो यूज कर पाते हैं। फिर फर्दर जैसे ही कोई हर्बीवोर उस प्लांट को खाता है तो 10% एनर्जी उसको कंज्यूम कर पाता है। ठीक है, ऐसे करके एक हायर, जैसे जैसे हम हायर लेवल पे जाते जाते हैं वो जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। ठीक है, सो अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि यूजली नॉट मोर देन 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो एनर्जी का जो फ्लो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल तक हो सकता है, उसके बाद जो एनर्जी फ्लो होगा वो नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक लेवल तो इनके, रेमंड लेंडमैन दिखा रहा है 10% लॉ वाला। हाँ राइट, लिंडमैन लॉ। हाँ स्पेलिंग सही है क्या? LINDEMANN ABLN। ठीक है, तो ये वाला, डबल एन तो ये लिंडमैन लॉ है। ठीक है, इसके लिए बकायदा नेम भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रॉपिक लेवल के इंटरैक्शन। तो सबसे तीन ट्रॉपिक लेवल है, फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड। ठीक है, इनके बारे में पढ़ ही रखा होगा, तो कोई फूड चेन एक्सप्लेन कर सकता है फूड चेन क्या है? अच्छा ये हर्बी वोर वगैरह पे एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQ वो बोलूं। हाँ बोलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बी वोर्स, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बी वोर्स, सम स्पीशीज ऑफ मेरीन मैमल्स आर हर्बी वोर्स, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस। ये यही वाला क्वेश्चन है ना, प्लांटिंग। ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर है। तो बीबी पेरिस पता है ना सबको क्या होता है? जो बर्ड्स अपना मतलब एग्स नहीं देते नहीं, जहर से रिलेटेड है मे बी। नहीं, बीबी पेरिस मतलब वो उस डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते। जहाँ पे हम बोलते हैं ओवी पेरस, इसका मतलब वो लोग अंडे देते हैं। ओवी मतलब एग होता है बेसिकली। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम लोग बोलते हैं कि फीमेल्स प्रोड्यूस ओवम। ठीक है, उनका वो जो एग सेल होता है उसको ओवम बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट था, क्योंकि यूजली हम लोग जानते हैं कि स्नेक्स आर रेप्टाइल्स एंड रेप्टाइल्स डू ले एग, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा डाउट था, बाकी तो हम लोग कर सकते थे कि हाँ हो सकता है ये चीज़ है। सो ऑल ऑफ द अबव वो इज़ करेक्ट। मेरी वाला तो ड्यूगो एग्जांपल है, उस पे उसका काफी बार क्वेश्चंस आए हैं पहले भी। राइट, मरीन हो गया, या फिर आई थिंक वेल्स भी होती हैं इसका एग्जाम्पल। तो इस टाइप का आई थिंक थोड़ा सा ना कन्वेंशनल ऐसे एक दो सवाल पूछ लेता, बट एनी वेज जो स्टोरी है, जो मेन पार्ट है, उसको जरूर ध्यान में रखना अपने को। तो फूड चेन पे थे हम लोग। तो फूड चेन इज बेसिकली एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्लासिक एग्जाम्पल क्या है, ग्रास से फिर एनर्जी ग्रास होपर में गई, ग्रास होपर को फ्रॉग कंज्यूम करता, फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम करता, एंड लास्टली हॉक या ईगल रहता है, ठीक है। तो एक एक यूनिडायरेक्शनल हम देखते हैं मूवमेंट हो रहा है कि एक जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म है, वो अपने से नीचे नीचे से जो ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म आता है उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर दो हम ब्रॉडली एग्जाम्पल बोल सकते हैं, दो टाइप्स की फूड चेन बोल सकते हैं। एक तो ग्रेजिंग फूड चेन, नेक्स्ट इज डेट्राइटस। तो ग्रेजिंग नाम से ही पता लग रहा है कि हम जो है एक किसी ऑटोट्रॉप से शुरू होंगे एंड देन एक सीरीज ऑफ कंज्यूमर्स रहेगा, ठीक है। एंड डेट्राइटस मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रॉडली फर्क है। तो ग्रेजिंग फूड चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है, ये जो सबसे लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल है, वहाँ पे कोई ऑटोट्रॉप है विच इज मोस्टली प्लांट, ठीक है। और इसको इसी वजह से ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एक्वेटिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फाइटोप्लांक्टन्स होते हैं, ठीक है। फाइटोप्लांक्टन्स हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो हमने देखा था फाइटोप्लांक्टन बेसिकली काइंड ऑफ एल्गीज होते हैं जो कि खुद अपना जो खाना है उसको क्रिएट करते हैं। एंड फाइटो प्लांक्टन जो है वो फोटोजेनिक जो जोन होता है वाटर के अंदर, मतलब जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है ओशन वाटर में या सी वाटर में, वहाँ पर फाइटोप्लांक्टन लोकेटेड होते हैं। उसके नीचे बेंथिक जोन आ जाता है, जहाँ पे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं यूज करके कीमोसिंथेसिस यूज करते हैं टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है। सो दिस इज एक्वेटिक ग्रेजिंग फूड चेन। तो यहाँ पे एक अच्छे से डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। तो कूल है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेट्राइटस फूड चेन, तो जैसे हमने बात किया था कि यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ये फूड चेन, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम डेड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ और द ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ डेड डिकेइंग एनिमल्स, ठीक है। उसके ऊपर अलग अलग ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं एंड देन उससे एक जो फूड चेन बनती है उसको डेट्राइटिस फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेट्राइटिस के ऊपर फीड करते हैं, दे आर नोन एज डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स, ठीक है। सो दीज डेट्राइटिवोर्स आर फर्दर ईटन बाई प्रेडेटर्स, तो ये चीज़ है इसके अंदर। राइट, एज अगेंस्ट दिस इंटरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डेट्राइटस फूड चेन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो एज कंपेयर टू एक्वेटिक वाला पार्ट, जो डेट्राइटिस फूड चेन है वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल या जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके अंदर से फ्लो करती है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था इसके रिगार्डिंग, PYQ है ये भी। तो विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन जोन ऑफ डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, ये तीन ऑर्गेनिज्म्स हैं, वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन से को हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स डिकम्पोजर? 2 and 3 B हो गया, वायरस इज नॉट इंक्लूडेड इन डीकम्पोजर बिकॉज इट लाइक डजंट रेप्लिकेट इन डेड ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट। तो आई थिंक कोविड के बाद तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि वायरस डिकम्पोजर है कि नहीं है। तो या राइट है, फंगी और बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली डिकम्पोजर्स होते हैं, वायरस इज नॉट अ डिकम्पोजर। मोस्टली अगर किसी बॉडी के अंदर नहीं है तो वो मोस्टली एक इनएक्टिव स्टेट के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। सो बैक्टीरिया और फंगी जो है वो बेसिकली इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डेट्राइटस या ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वो बेसिकली मिनरल्स बना रहे हैं जो कि फिर अर्थ जो है वो या और किसी जो मिनरल साइकिल होती है उसके अंदर कंज्यूम हो जाता है।
ओवरऑल दिस प्रोसेस इज नॉन एज कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म का अगर हम लिटरल इंग्लिश मीनिंग देखें तो इट्स कॉल्ड ब्रेक डाउन। तो यू आर जस्ट ब्रेकिंग डाउन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें स्टेजेस आती है ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है कि इट इज बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। जितना भी सपोज किसी एनिमल कार्कस है या एनिमल का डेड रिमेन्स है तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं बैक्टीरिया फंगी और एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल बना देते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड ह्यूमस। बट इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन और ये जो डिकम्पोजिशन रेट होता है इस दौरान बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। बट वंस इट गेट्स डिकम्पोज तो नेक्स्ट स्टेज इसमें क्या आता है जहाँ पे जो माइक्रोब्स है वो ज़्यादा बेटर तरीके से इस पर एक्ट कर सकते हैं और उसका मिनरल फर्दर ब्रेक डाउन करके उसके छोटे छोटे सिंपल मिनरल्स बना सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो डेट्राइटस फूड चेन में ये दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, ह्यूमिफिकेशन फॉलोड बाय मिनरलाइजेशन। तो इससे जो अल्टीमेटली जो सॉइल है उसके अंदर वो मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर फर्दर कोई भी प्लांट है या फिर और कोई ऑर्गेनिज्म है वो उनको तक कर सकता हूँ मिनरल्स को, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस टू वर्क। इसमें एक और चीज़ है कि वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन वेयर एज लो टेम्परेचर एंड एनारोबिस इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग अप इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल्स बिकम एसिडिक लाइक इन टाइगर। सो यहाँ पे ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि जब वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट होता है तो वो बेसिकली फेवरेबल होता है फॉर माइक्रोब्स, ठीक है। वहाँ पे माइक्रोब्स ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं तो डिकम्पोजिशन जो रेट है वो भी फास्टर होता है, ठीक है। सो ट्रॉपिकल एरियाज में ये चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी लेट्स से अगर किसी को वूंड भी हो जाता है या कोई घाव लग जाता है सो ट्रॉपिकल एरियाज में वो घाव जो है वो आसानी से ठीक नहीं होता है क्योंकि बहुत इजीली माइक्रोब्स उसके अंदर डेवलप हो सकते हैं एंड फर्दर उस वूंड को और ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही सिचुएशन किसी लो टेम्परेचर एरिया में देखें तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स का एक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल टेम्परेचर एंड ये एनएरोबिस मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, जैसे माउंटेन टॉप्स के ऊपर हम बोल सकते हैं थोड़ा ऑक्सीजन कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारे माइक्रोब्स के लिए फेवरेबल नहीं होती तो इसलिए वहाँ पे डिकम्पोजिशन उतना फास्ट नहीं हो पाता एंड ये ऑर्गेनिक मटेरियल या जो ह्यूमस है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है एंड ये एक्यूमुलेट होकर एक सॉइल को जो है एसिडिक नेचर का कर देता है। तो टैगा जो फॉरेस्ट रीजन होते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक ये रहता है कि यहाँ पे सॉइल जो है एसिडिक रहती है, ठीक है। तो आई थिंक इसके लिए एक वर्ड भी है शायद पोडोजोलाइजेशन है शायद वो वर्ड, कोई कंफर्म कर सकता है क्या? पोर्टजोल बोलते हैं मेबी उनको सॉइल पोडजोल, को। तो पोडोजोलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं जिसके अंदर ये जो ह्यूमस है ये डिग्रेड नहीं होता जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फो है इसके अंदर जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। और इसका एप्लीकेशन सर इधर भी है कि डेजर्ट जो होता है वहां पे ह्यूमस नहीं बन पाता, इसलिए वहां का कलर गोल्डन ब्राउन मतलब गोल्डन होता है, डार्क ब्राउन नहीं होता डेजर्ट में। राइट। तो वो आई थिंक सॉइल डार्क होती है तो इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो आई थिंक ये भी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि डेजर्ट में सॉइल वो गोल्डन की होती है या डार्क क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ भी ह्यूमस नहीं बन पाता, ठीक है। तो कभी भी देखना हो कि जो सॉइल जो है अगर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिजायरेबल, ठीक है, फॉर इट्स बेटर ईल्ड, क्रॉप ईल्ड के लिए बेटर है कि ऑर्गेनिक मटेरियल हो, ठीक है। डार्क सॉइल होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और PYQ आया हुआ था तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना था। आई थिंक ऑप्शन सबको दिख ही रहा होगा तो कोई बता सकता है क्या होना चाहिए था इसका करेक्ट आंसर? डायटम्स, क्रस्टेशन, हेरिंग्स, ए वुड बी द राइट आंसर या राइट? एंड ऑल्सो डायटम्स वॉज रिपीटेड इन 2021 प्रीलिम्स, सो वन शुड नो दैट दीज आर लाइक यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। मतलब तुम देख लो एनिमल किंगडम पढ़ ही लो, बायोलॉजी का एनसीईआरटी का क्लास 11th का जो चैप्टर है एनिमल किंगडम वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इनमें से आपको दो टर्म नहीं पता तो देर इज नो चांस कि आप इसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है।
सो इट्स बेटर कि ये छोटी छोटी टर्म्स है उस चैप्टर के अंदर, वो आप एक बार देख लो। तो यहाँ पे डायटम्स बेसिकली क्या होता है, दीज आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो फाइटोप्लांक्टन्स जो हमने बात किया था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के अंदर, तो उसमें एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये ऑर्गेनिज्म डायटम्स लिखा हुआ, विच इज यूनिसेल्यूलर एल्गी, ठीक है। इसके अलावा कोको लिथोफोर्स विच इज यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट, देन साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें याद रखना नॉस्टॉक स्पायरोगायरा, ये शायद यूपीएससी ने पूछा हुआ है नॉस्टॉक और स्पायरोगायरा के बारे में भी, तो पता होना चाहिए। दीज आर बेसिकली बैक्टीरियाज ओनली। नेक्स्ट डिनोफ्लेजिलेट या फ्लेजिलेटेड प्रोटिस्ट, तो ये सब जो है मिलके एक क्लास फॉर्म करते हैं विच आर कॉल्ड फाइटोप्लांक्टन। तो ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और फर्दर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे एक्वेटिक फूड चेन में, उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए फर्स्ट टॉपिक लेवल में वहाँ पे, फॉलोड बाय क्रस्टेशियंस। सो क्रस्टेशियंस आर लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्थोपॉड्स इंक्लूडिंग क्रैब्स, लॉबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल, बार्निकल्स। सो बेसिकली क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, जिनका एक कैल्शियम का शेल होता है, ठीक है, हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। मतलब उनके जो बाहरी जो जैसा हमारा स्केलेटन अंदर है, तो उनका स्केलेटन बाहर है, तो वो एक्सोस्केलेटन होता है और वो हार्ड होता है, ठीक है। सो ये क्रस्टेशियंस इन एल्गी के ऊपर फीड करते हैं। एंड हेरिंग्स जो होती है वो बेसिकली एक फिश होती है जो कि क्रस्टेशियंस को खाते हैं। तो अगर आपको इसमें ये बस ये एक भी अगर आप लिंक सही बना लेते हैं कि डायटम्स क्रस्टेशियन को खाते हैं, तो भी ये सॉल्व हो जाना था, ठीक है। सो ये रहा एक PYQ जो इसमें आया। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमने फूड चेन देखा, तो वो क्या था, एक यूनि डायरेक्शनल सर फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट। सर एक क्वेश्चन है मेरा फूड चेन से रिलेटेड। अभी हमने पढ़ा था तो उससे रिलेटेड एक फॉर्म किया है ना, टेरिस्ट्रियल फूड चेन एंड एक्वेटिक फूड चेन बोथ कंटेन मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल, ट्रू फॉल्स। मैक्सिमम हेलो टू क्या सर, ट्रू ट्रू ही होना चाहिए ना, नहीं फॉल्स। फॉल्स है, यस फॉल्स और है। जो व्हाई इसका एक्सप्लेनेशन है, जो टेरिस्ट्रियल फूड चेन होती है उसमें मैक्सिमम 4 to 5 लेवल्स होते हैं ट्रॉफिक लेवल, जो अभी हमने पढ़ा था। बट जो एक्वेटिक फूड चेन होती है उसमें मैक्सिमम 7 to 8 फूड लेवल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लिंट्समैन रूल है वो फॉलो नहीं करता है अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है। क्योंकि जैसे आप देखते हो फिश वो अपने गिल्स से ऑक्सीजन फिल्टर करती है, नॉट वहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं इतने ज्यादा नहीं होते। तो वहाँ पे ये याद रखना होगा कि 7 to 8 ट्रॉफिक लेवल तक होते हैं एक्वेटिक फूड चेन में, यहाँ पे अच्छा गलत हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक राइट। तो ये थोड़ा सा लेना, एक्वेटिक फूड चेन के अंदर जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो थोड़े से हायर होते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ठीक है। तो ये वाला देख लेना। ऑलराइट तो हाँ आई थिंक उस सेंस में शायद सही होगा कि एक्वेटिक में उतना एनर्जी लॉस नहीं होता, जिसके कारण जो फूड चेन है वो लॉन्गर होती है इन केस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। राइट नेक्स्ट पे चलते हैं फूड वेब के ऊपर। तो अब अभी ऊपर हमने फूड चेन देखा था, तो वो एक यूनिडायरेक्शनल मोमेंट था एनर्जी का, कि और एक यूनिडायरेक्शनल लिंकेजेस कह सकते हैं एक डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में। तो जैसे यहाँ था प्रोड्यूसर, नेक्स्ट पे कंज्यूमर एंड अगला एक सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। सो सिंपली एक यूनिडायरेक्शनल वे में अगर हम लोग लिंकेज करें तो उसको फूड चेन बोलेंगे। लेकिन फूड वेब जो होता है वो एक इंटरकनेक्टेड लिंक होता है डिफरेंट फूड चेन्स के बीच में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं बहुत सारी फूड चेन मिलके एक फूड वेब बनाती है, और उनके हम अंदर इंटरलिंकेजेस होते हैं, ठीक है। सो अ फूड वेब रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल पार्ट्स ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि लेट्स से कोई ग्रास है, उसके अंदर एक रैट उस पर फीड करता है, रैट पे फिर स्नेक फीड करता है, स्नेक के ऊपर ईगल फीड करता है या कोई हॉक फीड करता है। या ऐसा हो सकता है कि ग्रास है उसके ऊपर लेट्स से रैबिट फीड कर रहा है, और रैबिट को स्नेक खा रहा है एंड स्नेक को फिर हॉक खा रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल लिंकेजेस हो सकते हैं इसके बीच में, तो ये बेसिकली फूड वेब होता है। और फूड वेब का डेवलपमेंट अगर किसी जगह है तो वहाँ पे जो इकोसिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड मोर स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि फूड चेन में अगर हमने देखा कोई भी एक ब्लॉक है अगर वो खत्म हो जाता है तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे अगर हम अभी इसी एग्जाम्पल में ग्रास और रैबिट और हॉक का रिलेशन की बात करें, अगर रैबिट खत्म हो जाता तो ये फूड चेन अपने आप में डिस्ट्रॉयड हो जाती, ठीक
यानी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट फूड वेब में उसके रिप्लेसमेंट है, दैट्स व्हाई इट्स मोस्ट स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर द फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड टू मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम, देयरफॉर इंक्रीजेस देयर चांस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा देख लेना फिगर वगैरह। जैसे यहाँ पे डायाटम्स है, डायाटम्स को बेसिकली जू प्लैंकटन्स कहते हैं, विच आर बेसिकली फिश लार्वा, एंड फिश लार्वा को हो सकता है बड़ी फिशेस खा ले या स्क्विड्स खा ले, उस स्क्विड को कोई अनदर फिश खा ले, एंड देन लास्टली यहाँ पे हमारे पास शार्क दिखा रहा है जो एपेक्स प्रेडेटर है इस फूड चेन के अंदर। ठीक है, तो एक डायग्राम है इसके थ्रू देख लेना, क्योंकि इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, तो उस एनिमल का नाम दे दिया या फिश का नाम दे दिया, तो ये पता होना चाहिए ट्रॉपिक लेवल में कौन से किस पॉइंट पर। नेक्स्ट, बायोटिक इंटरेक्शन पे चलते हैं, तो कोई ये एक्सप्लेन कर सकता है ये वाला टॉपिक पूरा जल्दी से? ठीक है, सो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो स्पीशीज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, अब उनका इंटरैक्ट आपस में एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, तो उसी के बेसिस पे डिफरेंट इंटरेक्शंस बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी एक दो बार सवाल भी पूछ चुका है, तो अपने आप में ये जो टर्म्स है ये पता होना चाहिए, एंड कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इट्स बेटर कि आप ना इसका कहीं पे लिख कर रख लें, इसको बार बार देखते रहें, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि बार बार भूल जाते हैं अनलेस कोई ट्रिक बना रखी हो तो। सो सबसे पहले देखते हैं अमेंसलिज्म। तो अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज जो है इट इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड, यानी एक स्पीशीज को कोई असर ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लेट्स से एक बड़ा ट्री है, ठीक है, एक इकोसिस्टम के अंदर, एंड उसके अराउंड छोटे छोटे शर्ब्स बोल सकते हैं या प्लांट्स बोल सकते हैं, वो है। ठीक है, लेकिन ये जो बड़ा ट्री है इसको तो इनकी प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो छोटे प्लांट्स है इनको एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है इस ट्री की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि ये जो ट्री है ये सारी की सारी जो सनलाइट है वो ब्लॉक कर रहा है इन प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो उस सेंस में ये जो ट्री है इसको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन दीज प्लांट्स आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, दिस इज द केस ऑफ अमेंसलिज्म। नेक्स्ट, प्रेडेशन। तो प्रेडेशन नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे एक स्पीशीज जो है वो प्रेडेटर है और एक स्पीशीज जो है प्रे है। तो नॉर्मल जंगल में जो सिनेरियो होता है कि लायन जो है वो डियर को खाता है, तो कोई भी ऐसा सिनेरियो सोच सकता है, तो वहाँ पे एक स्पीशीज इज पॉजिटिवली इम्पैक्टेड एंड अदर स्पीशीज इज लूजिंग और नेगेटिवली इम्पैक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पैरासिटिज्म। तो ये भी आई थिंक बहुत कॉमन सा एक फिनोमेना है कि एक पैरासाइट है जो कि एक स्पीशीज के चिपक जाएगा, तो पैरासाइट तो गेन करेगा लेकिन वो जो स्पीशीज है उसको हार्म करेगा। ठीक है, सो एक गेन करेगा और एक लूज करेगा। सो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टैप वर्म का, राउंड वर्म्स का, जो ह्यूमन आई थिंक स्टमक या जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो ये जो है बेसिकली एक लॉन्ग टर्म के अंदर वीक करते हैं ह्यूमन को। ठीक है, इसके अलावा मलेरिया पहले पैरासाइट भी एक एग्जाम्पल हो सकता है जो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये सब जो है बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, बॉडी से न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है, तो दैट इज पैरासिटिज्म। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में किसी को फायदा नहीं होता, दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कल बात किया था, दो स्पीशीज का एक हैबिटेट हो सकता है लेकिन उनका एक फंक्शनल नीच नहीं हो सकता, यानी अगर कोई दो बर्ड्स है उनका जो फीडिंग डाइट है वो सेम है, तो अल्टीमेटली वो एक दूसरे के लिए रिसोर्स कम करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ कम्पीट करिए तो एक दूसरे को नेगेटिवली हार्म करेगी, यानी किसी का फायदा नहीं हो रहा कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन की तरफ, जिसमें सबसे पहले पैरासिटिज्म था, उसके भी तीन टाइप्स होते हैं सर, एक एंडो होता है जो इनसाइड होता है, एक एक्टो होता है आउटसाइड, और एक होता है ब्रूड पैरासाइट। ब्रूड में मतलब जो वो देखा होगा आपने, जो कोयल होती है वो अपने एक्स दूसरे मतलब बर्ड के उसमें नेस्ट में दे देती है, देन वो उसको हैच कर मतलब उसको मतलब होस्ट वो करते हैं, देन बाद में वो फिर उड़ जाते हैं मतलब उनके, तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ये टेस्ट सीरीज में मिल जाता है क्वेश्चन। ये अच्छा इन्फो है आई थिंक। एंडो में तो पता ही, जैसे ये बात किया टैप वर्म राउंड वर्म ये सब आ गए, एक्टो में कोई भी बाहर पे लग रहा है, जैसे लीचेस इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लीच देखी हो आपने, ब्लड सकर्स जिनको बोलते हैं,
वो बेसिकली क्या करते हैं, बॉडी पे चिपक जाते हैं, खून चूसते रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपना तो वो गेन कर रहे होते हैं, लेकिन किसी जिस जानवर के ऊपर लगे उसका हार्म कर रहे होते हैं। एंड ब्रूड में जैसा भी इन्होंने बताया कि कोयल जो है वो दूसरे के बर्ड में उसके जो एग्स है उनको ड्रॉप कर देती है और अपने रख देती है, ठीक है। तो वो एक ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो। नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस में। तो यह पॉजिटिव, यहाँ पे एक जो स्पीसीज है कमेंसलिज्म में वो गेन कर रही है, और जो दूसरी स्पीसीज है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी देखा हो तो क्या होता है कि ना, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं जैसे कि राइनो हो गया या हिप्पो हो गया, ठीक है, या बफलो हो गया, तो इसके ऊपर ना छोटी छोटी बर्ड्स बैठी रहती हैं, ठीक है, उस बड़े से हिप्पो के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो चरता रहता है तो उसके मूवमेंट से ना कुछ इंसेक्ट्स वो ग्रास में से इधर उधर कूदते हैं, वो क्या करते हैं उनको खा देती है, ठीक है। सो अल्टीमेटली इस इंटरेक्शन में जो राइनो है या जो बफलो है उसको तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, ना उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन ये इंटरेक्शन जो बर्ड है उसके लिए बढ़िया है। इनफैक्ट इस पे एक क्वेश्चन भी आ रखा है, यूपीएससी में बहुत अनकन्वेंशनल सा एक क्वेश्चन पूछा था। सर, ये एक एग्जाम्पल जो आपने बताया ना, ये कमेंसलिज्म का नहीं है, ये म्यूचुअलिज्म का है, जो मतलब कॉमन मैन म्यूचुअलिज्म है में उस पे तो कैट नहीं, कैटल म्यूचुअलिज्म पे में बैठे हाँ, होता है, म्यूचुअलिज्म में तो दोनों को बेनिफिट होगा ना। में बेनिफिट दोनों को रहा ना, वो इंसेक्ट्स खा रहे हैं उसके उससे, और उनको नहीं मतलब मैं हाँ मतलब वो मैं प्रोटेक्ट वो प्रोटेक्ट उनको नहीं, प्रोटेक्शन भी तो मिल रहा है ना बाकी। वो नॉर्मल इंसेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसको खाने वाले इंसेक्ट की मैं वो बात नहीं कर रहा था। जैसे बारनिकल्स का एक एग्जांपल ले सकते हो, बारनिकल्स जो है वो फिशेस के चिपक जाते हैं, कोई बड़ी शार्क होती है या व्हेल होती है तो उसके ना छोटे छोटे बार्निकल्स चिपक जाते हैं, तो सकर फिश लगी रहती है, ठीक है, तो उसकी सफाई करती है। तो लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं कि हाँ वो उसको इस तरीके से हेल्प कर रही क्लीनिंग में, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा था और फिर वो फिश उसको खा रही है, तो वो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है सिनेरियो में कि क्या वो उसको हार्म करने वाले इंसेक्ट्स को खा रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल से इंसेक्ट उसकी वजह से जो निकल निकल के इधर उधर गिर रहे हैं उनको खा रही है, तो फिर वो कमेंसलिज्म हो जाएगा, ठीक है। राइट, इसमें ना एक यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 72 देखना, कोई रीड कर देगा प्लीज ये वाला क्वेश्चन। If you walk through countryside, you are likely to see some birds stalking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses. Which of the following is are such bird and birds? First, painted stork, second, common mynah, third, black-necked crane. तो क्या हो सकता है इसमें सर? सर टू ओनली, टू ओनली या कॉमन मैन है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पता नहीं अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग आइडिया लगाया था, बट आई थिंक एक टॉपर का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि ये जो बर्ड्स हैं पेंटेड स्टॉक ब्लैक नेक क्रेन, तो ये ना काफी बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, विच यूजली फीड अपॉन फिशेस इन लेक्स, ठीक है, तो वो वहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एलिमिनेट करके कॉमन मैना पे पहुंचे। तो कॉमन मैना आई थिंक देखा ही होगा, कंट्री साइड में गांव की साइड में जाते हो ना, तो छोटी छोटी एक काली पीली सी बर्ड हो, वॉइस चली गई सर, नहीं आ रही है, सबको सॉरी आ रही है सॉरी, क्या? नहीं सॉरी, मेरा माइक ऑफ था। तो कहाँ पे थे यार, आई थिंक इस क्वेश्चन में यही था कि टॉपर इंटरव्यू में ये चीज़ बोला हुआ था कि ये जो स्टॉर्क है या जो क्रेन है, ये बेसिकली
फिश ईटिंग बर्ड्स है, मतलब काफी बड़ी बड़ी बर्ड्स होती है, एंड ये यूजली लेक्स के अंदर मिलती है जहाँ पे ये छोटी मछलियाँ खाती है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा करके इलिमिनेट किया था कि 1 एंड 3 नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो कॉमन मैना एक इसके अंदर बचता है। तो इवन कंट्री साइड या गांव वगैरह की तरफ कभी गए हो तो वहाँ देखा होगा एक बर्ड होती है ब्राउन कलर की विद येलो आईज, ठीक है, येलो आईज होती है उसकी। तो ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो निकलते हैं ना उनको खाती है, ठीक है। सो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है इस पॉइंट से, बट ये एक हम कह सकते हैं कि कमेंसलिज्म का ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल क्या दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्री एंड एपिफाइटिक प्लांट, ठीक है। तो कोई बता सकता है एपिफाइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर एपिफाइट प्लांट? हाँ लाइक सर, और ऑर्चिड्स जो होते हैं जो मतलब ऐसे बेल की तरह होते हैं ऐसे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फेमस है ऑर्चिड्स। इसके इससे रिलेटेड एक नेशनल पार्क भी है अरुणाचल में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी। तो ये एग्जाम्पल, और ये मोस्टली सर ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट में होते हैं। ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इनका एक एक मेन फीचर होता है जिसकी वजह से ये नाम पड़ता है एपिफाइट्स। बेसिकली क्या क्या होस्ट टाइप होते हैं जो एक ट्री के ऊपर अपना होस्ट बना लेते हैं, देन दे सक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, जो वो एपिफाइट होता है उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है, बट दैट डजंट इफेक्ट ट्री इन एनी मैनर। राइट, ठीक है। ऑल्दो लगता कि ये है कि थोड़ा पैरासिटिज्म जैसा होगा, बट ऐसा नहीं है, ये ज्यादा एज सच कोई न्यूट्रिशन ड्रॉ नहीं करता और उससे पेड़ को कोई हार्म नहीं होता, ठीक है। एक मेजर फीचर क्या होता है एपिफाइटिक प्लांट्स, ये ऐसा प्लांट होता है जो सनलाइट की एब्सेंस में ग्रो होता है, ठीक है। तो छोटा सा प्लांट होता है और ट्रॉपिकल एरिया में है, तो ऑटोमेटिकली उसको सनलाइट मिलेगा नहीं, सनलाइट उसको मिलेगा नहीं तो वो फिर खाना कहाँ से लेके आएगा, तो इसलिए वो ट्री की बाग से चिपक जाता है एंड उस बाग से वो हल्का सा न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है, तो इससे जो ट्री है उसको एज सच कोई हार्म नहीं होता, ठीक है। सो ये ऑर्चिड्स के बारे में आई थिंक, सॉरी, एपिफाइटिक प्लांट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। तो ये ऑर्चिड्स उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एंड मोस्टली ये जो प्लांट्स होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि सनलाइट होती नहीं है उनके लिए वहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में जो ट्री होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे प्लांट्स को सनलाइट मिलेगा नहीं, इसलिए वो ट्री की बार्क्स के ऊपर ग्रो करने की कोशिश करता है, तो दीज आर कॉल्ड क्योंकि एपिफाइटिक वहां पे प्लांट्स। सर ट्रीज जो बड़े ट्रीज होते हैं कैनोपी फॉर्म कर लेते हैं, तो सनलाइट रीच नहीं कर पाती। तो या तो ये चीज एपिफाइट्स के बारे में देख लेना, एंड इट कम्स अंडर कमेंसलिज्म। नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म बात किया था, तो जैसे अभी हम ये वाला एग्जांपल दे रहे थे कि एक कोई लार्ज ग्रेजिंग एनिमल है, उसके वजह से जो कीड़े इधर उधर ग्रास के अंदर भाग रहे हैं उनको बर्ड खाती है, बट कई बार ऐसा भी होता है ये जो बर्ड्स होते हैं ये बेसिकली इन एनिमल्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, तो वो एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ दोनों स्पीशीज जो है एक दूसरे से गेन कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सिम्बायसिस, जो कि हमें देखने को मिलता है लाइकेंस में। तो लाइकेंस हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, इट इज बेसिकली एन इंटरेक्शन बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। सो हमें पता है एल्गी जो है वो अपने आप में सेल्फ सफिशियंट है इन मेकिंग फूड, ठीक है, लेकिन फंगी इसको साथ इंटरेक्ट करके इसको न्यूट्रिएंट कैच करने में हेल्प करता है, जिसको वो यूज करके फूड बनाता है। तो दैट्स हाउ फंगी एंड एल्गी वर्क टुगेदर इन केस ऑफ लाइकन। और बाकी हमको पता भी है पॉल्यूशन का भी इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे है वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो प्रिस्टीन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा बेयर रॉक पे ग्रो करता है, तो बेयर रॉक पे ग्रो करता है तो इसका मतलब दीज आर सॉर्ट ऑफ पाइनियर स्पीसीज, ठीक है। मतलब हमेशा पाइनियर स्पीसीज ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन कोई अगर नया नया कोई फ्लड प्लेन बना है तो वहाँ पे यूजली लाइकन से शुरुआत होती है, ठीक है। सो ये है, इसके अलावा जूज एंथली का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ग्रो विदाउट सॉइल, तो उसमें लाइकन भी ऑप्शन था उसमें एक। हाँ लाइकन इस बार आई थिंक 2020 में था ये, तो इस टाइप के पता होना चाहिए, मतलब वो डायरेक्टली यहाँ से तो रिलेटेड नहीं है,
बट हाँ आपको पता होना चाहिए लाइकन क्या करता है, तो आई थिंक गेस वर्क करके आंसर निकल सकता था उसका। इनफैक्ट सर मॉस भी पाइनल स्पीसीज होता है, मॉस एंड लाइकन्स। मॉस भी है राइट, जो डैम्प जो जगहें होती है मतलब जहाँ पे थोड़ी नमी ज्यादा होती है वहाँ पे ये मॉस वगैरह ग्रो कर जाते हैं, तो यस ये भी और इसका बेयर रॉक्स पे ग्रो करने वाला एक अच्छा एग्जाम्पल। इसके अलावा कोरल्स में एक बहुत अच्छा रिलेशन देखने को मिलता है, तो कोरल्स जो होते हैं या फिर जो पॉलिप्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं उससे वो स्केलेटन से ये कोरल रीफ्स बनाते हैं, एंड ये कोरल रीफ ना कलरफुल होती है, जहाँ पे भी आप देखोगे कलरफुल देखने को मिलेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ देखोगे तो कलरफुल है, तो वो कलरफुल उनकी वजह से नहीं है, कोरल्स की वजह से नहीं है, उसके अंदर एल्गीज रहते हैं, जूज एंथली, ठीक है, जूज एंथली भी बोलते हैं, जूज एंथनम भी बोलते हैं, अलग अलग नाम बोलते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो ये जो एल्गी होती है ये बेसिकली ऑटोट्रॉप होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो खाना बनाती है, जिसकी वजह से ये जो है कोरल्स है उनको अलग अलग कलर मिलता है, ठीक है, तो ये इस एल्गी की प्रेजेंस है, तो इसीलिए आप देखोगे कि कोरल जो है वो डीप सी में नहीं मिलती है, ऑल्दो डीप सी में हम नॉर्वे वगैरह में देखने को मिलती है, बट वहाँ रीजन कुछ और होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर करंट जो है वो मिनरल रिच वाटर लेके आते हैं, तो वहाँ पे डीप सी में मिल जाती है, बट ज्यादातर जो रीफ्स हैं वो हमें ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलती है, एंड बहुत ही शेलो हाइट्स में देखने को मिलती है, मतलब ज्यादा गहरी नहीं होती, यूजली सराउंडिंग द कोस्टल एरियाज या आइलैंड के आसपास मिलती है, तो रीजन ये होता है कि जेंथली उसके अंदर प्रेजेंट होती है, यानी तो ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज न्यूट्रलिज्म, तो यहाँ पे कोई स्पीसीज जो है उसको एज सच इम्पैक्ट नहीं होता, बट ये अपने आप में ट्रू न्यूट्रलिज्म कोई ऐसा हम कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली कहीं देखने को मिलता है, तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी कोई ट्री है वहां पे कोई स्पाइडर है, ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से कोई खास हेल्प नहीं हो रही, बस एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट जरूर कर रहे हैं, तो ऑल्दो इतना कोई परफेक्टली एग्जाम्पल्स नहीं होते न्यूट्रलिज्म के, ठीक है। सो ठीक है, एक बाकी ना सब मैंने हमने फोटो भेजी है, तो वो भी एक बार देख लेना उस पे कहाँ पे भेजू? डिस्कशन वाले ग्रुप में। हाँ एक्सप्लेन कर दो यार ये क्या चीज़ है। ये वही बेसिकली ना, पढ़ना ही पड़ेगा इसमें, मुझे दिख नहीं रहा यहाँ से। ये पगोड़ा आंट्स होती है, इनमें भी एक बायोटिक वो इंटरेक्शन होता है। सो पढ़ के मतलब मुझे तो म्यूचुअलिज्म ही लग रहा है, एक बार देख लेना कि म्यूचुअलिज्म नहीं है कि क्या है। अच्छा कूल, तो एक बार ना पढ़ लेंगे सब लोग, एंड देन इस पे क्या व्यू है अपना यहीं पे कमेंट पे कर देना, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब आई थिंक हम सब लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो अभी इसको डिस्कस करने की ऐसा कोई जरूरत है नहीं। इसके हाँ म्यूचुअलिज्म में एक ये भी है, बैक्टीरियाज गट बैक्टीरियाज होते हैं, तो गट माइक्रोफ्लोरा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रोफ्लोरा इन ह्यूमन बींग, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनाइज ऑल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, तो बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में बैक्टीरियाज होते हैं इकोलाई जैसे, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है, एस्चेरिया कोली, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कराते हैं, और हमसे हमारे जो बॉडी में जो फूड है उसे न्यूट्रिशन भी लेते हैं, ठीक है, तो इनके इंटरेक्शन से हमारा जो गट इन्वायरमेंट है वो अच्छा रहता है, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, बट यहीं पे अगर टेप वर्म होता इस गट के अंदर तो वो जो है पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है, यानी हम लोग तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं और वो जो टेप वर्म है वो ऐश कर रहा है बॉडी के अंदर, ठीक तो वो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक, ऐसे अपने अपने एग्जाम्पल्स कुछ देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये PYQ है तो प्लीज कोई रीड कर दो यार इसको। The food chain illustrates the orders in which a chain of organisms feed upon each other. Second, food chains are found within the populations of a species. Third, a food chain illustrates the numbers of each organisms which are eaten by others. Which is correct? ऑलराइट या तो क्या होगा? वन ओनली वन ओनली,
हाँ, बिकॉज टू तो इसलिए न्यू पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन कैन नॉट ईट द ह्यूमन और लाइक फिश कैन नॉट ईट द फिश. एंड थर्ड इज इलस्ट्रेट, सो दैट डजंट इलस्ट्रेट लाइक फूड चेन में बस वही होता है कि ठीक है नेक्स्ट को खाए, बट दैट डजंट इलस्ट्रेट द नंबर. इट कैन इलस्ट्रेट कि किसको खाया है बट नंबर नहीं. राइट. तो ये चीज़ पर आई थिंक काफ़ी क्लियर कर दिया इन्होंने. तो आंसर भी वन ही है, ठीक है. तो आई होप सबको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट पे चलते हैं. इकोलॉजिकल पिरामिड्स. तो पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन एन इकोलॉजिकल पोजिशन इज बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है. तो हम एक पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर ट्रॉपिक लेवल या इकोसिस्टम में उनका जो पोजिशन है उसके ऊपर, ठीक है. सो द पिरामिड बेसिकली कंसिस्ट नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार डिपेक्टिंग स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल. तो हर जो बार होता है उसके अंदर ट्रॉपिकल या इकोलॉजिकल पिरामिड में, वो या तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, बायोमास को रिप्रेजेंट करता है, या एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो ब्रॉड लेवल पे ये तीन जो है हम पिरामिड्स बनाते हैं, या तो इंडिविजुअल का बनाएंगे, बायोमास का बनाएंगे, या एनर्जी का बनाएंगे. सो बेसिकली जो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं दे ऑक्यूपाई द बेस ऑफ द पिरामिड फॉलोड बाय कार्निवोर्स या अदर कंज्यूमर्स, ठीक है. तो वो ब्रॉडली तीन कैटेगरीज होती हैं जो कि अभी हमने देखा, नंबर का, बायोमास का, एंड एनर्जी या प्रोडक्टिविटी का. तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर देख लेते हैं. कोई एक्सप्लेन करेगा ये वाला टॉपिक, पिरामिड ऑफ नंबर वाला? ठीक है. तो पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट ईच टॉपिक लेवल, ठीक है. तो डिपेंड करता है कि अपराइट होगा, ठीक है. अपराइट मतलब सीधा ऐसा खड़ा हुआ अपराइट, या फिर कंप्लीटली इन्वर्टेड एकदम उल्टा है, ठीक. नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर लेवल पे कम है एंड धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. तो कोई एग्जाम्पल दे सकता है इन्वर्टेड ट्रॉपिक लेवल का? वो मेरीन में होता है ना, जिसमें फिशेस से ज्यादा वो शायद कुछ ऐसा था. हाँ, या फिर इसमें अगर हमने पैरास्टैटिक में होना चाहिए मेरे ख्याल से तो. पैरासाइटिक कह रहे हो? हाँ, सर क्योंकि नंबर दो चीजें में होती है, कब? पैरासाइटिक होता है एक, मैरीन होता है. पैरासाइटिक वाला नंबर्स में होता है शायद, मैरीन वाला उसमें होता है, क्या कहते हैं, मास वाले होते, एक और होता है ना बायोमास वाला, हाँ उसमें होता है इन्वर्टेड. पैरासाइटिक बोल सकते हैं, राइट. तो पिरामिड्स ऑफ नंबर्स में ऑलवेज वो अपराइट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और टेरिस्ट्रियल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्री इकोसिस्टम और एक होता है टेरिस्ट्रियल में मतलब इकोसिस्टम. तो एक में जनरली अपराइट होता है और एक में होता है स्पिंडल शेप, तो कभी भी मतलब वो नहीं होगा डाउन राइट, मतलब नहीं होता है नंबर्स में, डाउन राइट इन्वर्टेड कहना चाह रहे हो आप? मतलब इन्वर्टेड. हाँ सॉरी, अच्छा, तो ट्री वाले केस में इन्वर्टेड नहीं होगा? एनर्जी वाले केस में नहीं नहीं, होता, बस इन्वर्टेड, बाकी में होता है. उसमें सर स्पिंडल शेप होता है वो. स्पिंडल शेप, वो कौन सा शेप होता है? आप तो राइट है स्पिंडल ना, शेप में इसलिए क्या हो जस्ट जाएगा ना, बस ये जो ये जस्ट इनवाइटेड वाला ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसके ऊपर एक अपराइट बन जाएगा, उसके ऐसा ऊपर है अपराइट. बन जाएगा क्या? हाँ ऐसा हाँ, यस. आएगा नीचे, शायद ये आएगा नीचे. चलो ठीक है, देख लेते हैं इसको. तो पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नीचे ग्रास है वो सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय ग्रास ऊपर कम होता जाता है, फिर रैट और कम है, एंड फिर स्नेक उसके ऊपर गिनती के होंगे, ठीक है. तो ये नंबर का केस हो गया एंड ये अपराइट है, ठीक है. अब अपराइट आई थिंक ये देख ही लिया हम लोगों ने. तो यहाँ पे एक्वेटिक भी दिया हुआ है कि एक्वेटिक या पॉड के अंदर भी ये चीज़ अपराइट कैसे है, ठीक है. तो ये तो मोस्टली एक कॉमन सिनेरियो है. अब नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वर्टेड कब होगा. तो जैसे अभी हम ट्री की बात कर रहे थे, तो ट्री में ये इन्वर्टेड भी है एंड जैसे शायद अभी अतुल कह रहे थे स्पिंडल भी है, दोनों ही है, ठीक है. तो ट्री ट्री से क्या होता है कि सबसे नीचे ट्री है, उसके ऊपर फिर हो सकता है उसमें कुछ फ्लावर्स हो या कुछ ऐसे फ्रूट्स हो जिसके ऊपर बर्ड्स फीड कर रही है, उन बर्ड्स को फिर फर्दर स्नेक्स खा रहे हैं या पैरासाइट वगैरह खा रहे हैं, ठीक है. और फिर उन हो सकता है उन स्नेक्स
या बर्ड्स के अंदर फर्दर हाइपर पैरासाइट्स हो, एक और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनके अंदर फीड कर रहे हैं. तो दैट्स हाउ इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ नंबर वर्क. ठीक है, इसके अलावा स्पिंडल शेप भी होता है. तो सेम क्राइटेरिया होता है कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, एंड फिर हो सकता है उसके ऊपर कार्निवोर हो, यानी इन बर्ड्स को खाने वाला एक और फर्दर बर्ड हो, जैसे कि रैप्टर्स होते हैं या ईगल्स होते हैं, तो इन बर्ड्स को खाती हो. ठीक है, तो उनका नंबर कम हो जाएगा फिर. तो दैट्स हाउ स्पिंडल शेप्ड इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कब इन्वर्टेड होगा एंड कब अपराइट होगा. ठीक है, तो अगर वैसे हम लोग बात करें इन जनरल, तो हम ये पिरामिड ऑफ नंबर में बेसिकली दोनों देखते हैं कि इन्वर्टेड भी है और अपराइट भी. नेक्स्ट चलते हैं बायोमास के ऊपर. तो बायोमास कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता है? व्हाट इज बायोमास सर? उससे रिलेटेड एक मतलब स्टेटमेंट है, इन द इन्वर्टेड पिरामिड्स पैरासिटिक फूड चेन इज आल्सो इंक्लूडेड. या आई थिंक कर सकते हैं उसको भी इंक्लूड, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो हो जाएगा एंड उसके ऊपर फिर फीड कर रहा है पैरासाइट, वो एक चीज हो सकती है. तभी सर वो इन्वर्टेड होगा, नहीं तो अगर जो पैरासाइट नहीं करेंगे तो इन्वर्टेड नहीं. हाँ, पैरासाइट नहीं होंगे तो. हाँ, ठीक है. देन नेक्स्ट बायोमास का कोई डिफाइन कर सकते हो? व्हाट इज बायोमास? सर बायोमास में हम ड्राई वेट कंसिडर करते हैं. तो बेसिकली बायोमास में हम लोग जो जितने भी स्पीशीज हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ड्राई वेट कंसीडर करते हैं, देखते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे वो कैसे रिप्रेजेंट करता है. तो ये बेसिकली एक तरीका है जिससे हम जो उनका जो साइज का जो डिफरेंस रहता है उसको रैशनलाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप. सो द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया. ठीक है, तो एक केस देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास का. तो जैसे अभी हमने ऊपर ग्रेजिंग फूड चेन देखा था टेरेस्ट्रियल वाला, वैसे ही अगर हम लोग देखें ड्राई वेट इन केस ऑफ ग्रास. ठीक है, तो एक एक यूनिट एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रास होगी, उसका ड्राई वेट सपोज लेते 809 इन्होंने कर लिया, फिर फॉलोड बाई ग्रास ऊपर. तो ग्रास ऊपर कम होंगे नंबर्स के अंदर, तो करस्पॉन्डिंगली उनका जो ड्राई वेट आएगा वो ग्रास से कम ही आएगा. फिर फॉलोड बाय रैट्स, वो और कम होंगे, तो उनका जो ड्राई वेट है वो और कम होगा. लास्टली स्नेक, जो कि बहुत कम होंगे नंबर में, ऑटोमेटिकली उनका जो ड्राई वेट है या जो मास है वो कम आ जाएगा. तो एक अपराइट पिरामिड बनेगा. ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास. नेक्स्ट, तो आई थिंक यही चीज़ हम लोगों ने देखा यहाँ पे भी. अगर आप देख सकते हो एक यूनिट एरिया में, मतलब ऐसा एक घास के तिनके को आप ऐसा नहीं उस जानवर से कंपेयर करने लगो, एक यूनिट एरिया में हमें कितना बायोमास क्रिएट हो सकता है उस स्पीशीज का, उसके रिस्पेक्ट में इस चीज़ को देखें. ठीक है, तो ग्रेजिंग टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो है उसके अंदर ये यूजली अपराइट ही बनता है. नेक्स्ट, इसका एक इन्वर्टेड केस देख लेते हैं. ठीक है, सो अगर हम इन्वर्टेड इस सेंस में देखें, तो एक्वेटिक जो फूड चेन है उसके अंदर सबसे नीचे जो है हमारे पास प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए या अदर एल्गीज डायटम्स वगैरह वगैरह हो गए, फॉलोड बाय हर्बीवोर्स. ठीक है, जो कि या जू प्लैंक्टन्स जो कि इन बेसिकली प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उनके ऊपर हमारे पास टॉप कार्निवोर है, यहाँ पे शार्क वगैरह. ठीक है, तो अगर एक हम लोग बात करें एक यूनिट एरिया के अंदर इनका जो मास है वो बहुत कम होगा, फिर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो ये जो फिशेज है इनका मास बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो इसलिए जो एक्वेटिक फूड चेन है उसके अंदर ये इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास ये इन्वर्टेड बनेगा. ठीक है, राइट. तो ये चीज़ यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि एक्वेटिक के अंदर द पिरामिड ऑफ बायोमास में अज्यूम इन्वर्टेड फॉर्म, इन कॉन्ट्रास्ट पिरामिड ऑफ नंबर फॉर एक्वेटिक सिस्टम इज अपराइट. ठीक है, तो ये आई थिंक इस पे तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं यूपीएससी के अंदर भी, प्री के अंदर, के कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तो ये इस चीज़ पता होनी चाहिए. ठीक है, तो इसके अंदर प्रोड्यूसर जो होते हैं टाइनी फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेवल में, तो इसलिए उनका जो एज सच मास जो आता है वो कम आता है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉपिक लेवल इन द इकोलॉजिकल पिरामिड.
नेक्स्ट चलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमने जैसे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है इससे रिलेटेड, पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज अपराइट इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन सेकंड स्टेटमेंट है पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज इन्वर्टेड इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब वन ओनली टू ओनली वन इन टू नन। तो आई थिंक बोथ, दोनों ही सही लग रहे हैं ना इसमें, बोथ। तो इसमें जैसे वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट फ्रेम होता है तो इसमें ऑलवेज भी होगा तब भी वो ठीक होगा, बस ये इसीलिए मैंने बनाया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट इसमें डाल सकते हैं। ऑलवेज होता है तो हम सोचते हैं अरे ऑलवेज होगा, नहीं होगा, लाइक ओनली होता है। करेक्ट। तो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन फॉर्म किया, मतलब ये थोड़ा सा वो एक डाउट क्रिएट कर देता, तो यहाँ पे वो चीज सही है, वो जो स्टेटमेंट है अगर एक्सट्रीम लग रहा है तो वो इस केस में सही है। राइट, कूल, अच्छा क्वेश्चन था यार ये। नेक्स्ट पे चलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सुटेबल टू कंपेयर फंक्शनल रोल ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था हर ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो कम होती जाती है, और उसके लिए लॉ भी था लेंडमैन लॉ या 10% लॉ। ठीक है, सो इस केस में जो पिरामिड है इज ऑलवेज अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड इन द सेंस कि जैसे जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है कि 100% रेन फॉरेस्ट के अंदर, लेट्स से एनर्जी है 100%, नेक्स्ट उन प्लांट्स को फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है इन केस में लार्वाज हो सकते हैं या फिर कोई मिलीपीड सेंटीपीड वगैरह कुछ हो सकते हैं, तो वो उसको खाएंगे, तो वो बेसिकली उस पूरे प्रोसेस के अंदर केवल 10% एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर आगे उन हो सकता है उन कीड़ों को जो है बबून्स खा ले, बबून्स जो है उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी ड्रॉ कर पाएंगे, एंड बबून को क्रोकोडाइल खा ले तो क्रोकोडाइल जो है उस पूरे प्रोसेस में केवल 1% एनर्जी ऑक्यूपाई कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट बनता है। एंड हमने देखा कि कुछ एक सर्टेन ट्रॉपिक लेवल्स के बाद वो एनर्जी जो है बिल्कुल यूजलेस रहते हैं, तो इसीलिए हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर बात करें तो ओनली 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल रहता है, वहीं हम थोड़ा एक्वेटिक में बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन 7 to 8 ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं एक्वेटिक वो जो फूड चेन है या इकोलॉजिकल पिरामिड है उसमें। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। सर, इससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन, मतलब एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, मतलब PYQ से मैंने स्टेटमेंट लिया है, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ट्रू फॉल्स? इनफैक्ट मैं भी यही वाली चीज सोच रहा था, तो या ट्रू होना चाहिए क्योंकि वेजिटेरियन डाइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग ट्रॉपिक लेवल का वो जो चेन है वो छोटा रखते हैं। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग ज्यादा एनर्जी दे पाएंगे, वहीं अगर हम नॉन वेजिटेरियन की बात करें। हाँ, बोलो बोलो आप, कंप्लीट कर। नहीं, आपने सही बोला कि चूंकि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, जैसे जैसे वो हम मतलब अगर जो हम चिकन खाते हैं तो उसमें कम एनर्जी होगा, इसीलिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है लायन का कि लायन इतना ज्यादा खाता है मतलब एक दिन में। करेक्ट, मतलब वही हम जो नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे चिकन हो गया, तो उस चिकन को भी हम लोग वीट वगैरह खिलाना पड़ता है जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते थे, तो ऑटोमेटिकली वो जो वीट हम उसको खिला रहे हैं तो वो उसका 10% ही ले पाता है, तो फिर हम उस चिकन को खा रहे हैं तो हम सिर्फ उसका 10% ले पा रहे हैं, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो रही है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा फिजिक्स के सिद्धांत के खिलाफ है, फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट बायोलॉजी में ऐसा नहीं है, बायोलॉजी में 10% लॉ चलता है, यानी लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। ठीक है, तो वो डिफरेंस है। सो लिमिटेशंस बात कर ले, इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन क्या, तो पहला इसके अंदर जो सेम स्पीशीज है बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है कि जो स्नेक्स है वो मल्टीपल स्पीशीज को खाता हो उस ट्रॉपिक लेवल के अंदर, तो हो सकता है स्नेक जो है वो किसी बर्ड को भी खा रहा हो और किसी टॉप लेवल के प्रेडेटर को भी खा रहा हो। ठीक है, तो वो चीज़ है कि एक स्पीशीज जो कि 2 ट्रॉपिक लेवल में आ सकते हैं वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं होती इकोलॉजिकल पिरामिड में। नेक्स्ट, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट सेल्डम एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब। ठीक है,
यानी जो इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है वो एक यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट रहता है, और उसमें जो दो ट्रॉपिक लेवल्स के बीच का जो इंटरलिंकेज है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, यानी केवल फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फूड वेब विच इज द प्रैक्टिकल सिचुएशन, वो एक लिमिटेशन है। मोर ओवर सेप्रोफाइट, सॉरी सेप्रोफाइट विच आर प्लांट्स फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन डिकेइंग मैटर आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल प्राइमेट पिरामिड इवन दो दे प्ले वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ये कुछ लिमिटेशन है, ये भी डायरेक्टली स्टेटमेंट के फॉर्म में यूपीएस में क्वेश्चन में पूछ सकता है। नेक्स्ट बायो मैग्निफिकेशन, तो कोई एक्सप्लेन करेगा फटाफट से व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? ऑलराइट, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो कि हमारे बॉडी से डिजॉल्व या डिकम्पोज नहीं हो सकते। व्हाट दे डू, उनके साथ होता है क्या, वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पर फ्लो करते हैं। ठीक है, तो उनका जो कंसनट्रेशन है, जैसे जैसे हम हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाएंगे उनका कंसनट्रेशन जो है बॉडी में बढ़ता जाता है, तो इसीलिए जो इंसेक्टिसाइड्स है या एक्सेस फर्टिलाइजर का यूज है, इट्स प्रोहिबिट करते हैं या फिर उसको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बॉडी में जो जाते हैं एंड डिग्रेड नहीं होते और फिर हमारी बॉडी को फर्दर हार्म करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेसेस, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो पॉल्यूटेंट्स है वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं या उसके बॉडी के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। ठीक है, और सिंस वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसलिए बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते या उनका कैटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। ठीक है, सो बेसिकली वो इकट्ठा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। एंड बायो मैग्निफिकेशन जैसे अभी बताया था कि हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो जो पॉल्यूटेंट्स का कंसेंट्रेशन है वो हाई होता जाता है। ठीक है, क्योंकि लेट्स से हमने एक फील्ड था उसके अंदर कुछ प्लांट्स थे जो कि हमने हमारे कंजम्पशन के लिए उगा रखे थे, तो अगर हम उनमें पेस्टिसाइड डालते हैं तो फिर उसको हम कंज्यूम करते हैं, बार बार कंज्यूम करने से उनका जो लेवल होता है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ता जाता है और वो अपने से जो लोअर ट्रॉपिक लेवल था उससे ज्यादा हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन। तो यही था इसके अंदर, डायग्राम से यही चीज रिप्रेजेंट करे, वाटर प्रोड्यूसर, जू प्लांकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश एंड फाइनली कंसेंट्रेशन हो गया पॉलिटेंट का, तो ये बर्ड के अंदर दिखा रखा है। तो आई थिंक इसके सिमिलर ये क्वेश्चन पूछा था वल्चर्स के रिस्पेक्ट में, तो वल्चर का पता ही होगा सिनेरियो क्या था, वह क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 50, तो कोई रीड कर दो इस क्वेश्चन को। Vultures, which used to be very common in Indian countryside some years ago, are rarely seen nowadays. This is attributed to A. the destruction of their nesting sites by new invasive species, a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle, scarcity of food available to them, a widespread, persistent and fatal disease among them. तो सर इसका आंसर बी होगा, क्योंकि डाइक्लोफिनेक था जो राइट, यूज करते थे वो। तो डाइक्लोफेनाक बेसिकली एक पेन किलर है जो ये कैटल ओनर बहुत रैपिडली यूज कर रहे थे एक टाइम पे, सो उसकी वजह से क्या हो गया था, उसको लेते ही क्योंकि एनिमल ने कंज्यूम किया, फिर एनिमल को वो जो बर्ड है वो कंज्यूम कर रही है। ठीक है, तो एक तरीके से बायो एक्यूमुलेशन उसके अंदर हुआ, लेकिन जैसे ही बर्ड ने उसको खाया तो उसके अंदर वो बायो एक्यूमुलेशन भी हुआ और बायो मैग्निफिकेशन भी हुआ, क्योंकि हायर ट्रॉपिक लेवल पे उसका जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो जो ड्रग था, सही नाम बताया, डाइक्लोफेनाक था, जो कि एक पेन रिलीविंग ड्रग था या पेन किलर था, तो उसको खाते ही उनकी जो है किडनीज फेल हो जाती थी, तो उनकी नेक ड्रूप हो जाती थी एंड दे अल्टीमेटली डाइड। ठीक है, तो आज करंटली पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 90% से भी कम हो गई है और गवर्नमेंट ने फिर इस ये जो दवाई इसको बैन कर दिया था इंडिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसा पूछा हुआ था, तो बोले नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, बायो एक्यूमुलेशन होने का एक रीजन क्या होता है, ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के जो फैटी टिश्यूज है उसके अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, वहां से वो फर्दर डिजोल्व नहीं हो पाते या ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो इकट्ठा होते रहते हैं एंड क्रिएट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट चलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। सर उससे पहले कुछ
मतलब हमें याद रहना चाहिए लाइक उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बायो मैग्निफिकेशन तो सबसे पहले लॉन्ग लिव्ड होते हैं, इसमें है एक। देन ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होते, फैट सॉल्यूबल होते हैं, इसलिए हम कभी भी हमें किसी का पॉल्यूटेंट चेक करना होता है तो हम फैट शूज देखते हैं फिशेज में या फिर मैमल्स में उनका मिल्क। देन थर्ड ये मोबाइल होते हैं, तभी ये मतलब वन ट्रॉफिक लेवल, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में मूव कर पाते हैं। तो इससे रिलेटेड सर हम एनवायरनमेंट में वो भी पढ़ते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसमें डर्टी डजन हमने बैन किए थे लाइक डीडीटी। और एक बुक भी हम पढ़ते हैं काफी, मतलब पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, साइलेंट स्प्रिंग, रेशल कार्सन की बुक थी। और सर एक और भी था इसमें एक, जो इसमें मेंशन नहीं है, बायो कंसंट्रेशन, लाइक बायोक्यूमुलेशन में जो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एंटर करते हैं तो उसको बायोअक्यूमुलेशन बोलते हैं, और वो पॉल्यूटेंट अगर सर एक्वेटिक इकोसिस्टम से एंटर करते हैं तो उसको बायो कंसंट्रेशन बोलते हैं, और ठीक है। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम से एंटर करते हैं तो उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बायो मैग्निफिकेशन तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन को बोलते हैं कि हर ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे जैसे हम आगे ट्रॉपिक लेवल पे मूव ऑन करते जाते हैं, वो जो बायो एक्यूमुलेशन जो है वो हायर होता जाता है, ठीक है, मतलब जो पॉल्यूटेंट का अमाउंट है वो हाई होता जाता है, तो उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। बाकी बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो कंसेंट्रेशन वो सेम ही, एक ही कंसेप्ट के दो अलग अलग नाम है। तो जैसा आपने बोला कि वो एक्वेटिक के लिए अलग बोल सकते हैं एंड टेरेस्ट्रियल के लिए उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, तो उस सेंस में ये दोनों चीज़ें। तो ये सारी टर्म्स थोड़ा पता होना चाहिए क्या क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसके अंदर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स देख लेता। सो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मोस्टली एक साइक्लिकल पैटर्न होता है उनका, कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में या डिफरेंट स्पीशीज के अंदर वो जाते हैं, एंड उनकी जैसे डेथ हो जाती है तो वो वापस वो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो मोस्टली एक साइक्लिकल मूवमेंट फॉलो करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर ही। तो इसमें हम मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ये जो एलिमेंट्स है ये बेसिकली हमारे जो फंक्शनिंग है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए होता है या ह्यूमन को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो ये एक कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन में होकर हमारे जो बॉडीली फंक्शंस हैं उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, एक तो सर्कुलर पैटर्न होता है इनका, और इनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन और नाइट्रोजन का जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सो बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड सम न्यूट्रिएंट साइकिल इज प्रेफर्ड एज परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल, ठीक है। तो परफेक्ट साइकिल क्या होता है, फटाफट जो है वो पूरा अपना साइकिल कंप्लीट करके वो एनवायरनमेंट में वापस आ जाता है। तो जितनी भी गैसियस साइकिल्स होती हैं वो मोस्टली परफेक्ट साइकिल होती हैं, वहीं सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं वो रिलेटिवली इम्परफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये इतनी जल्दी वापस अपने एनवायरनमेंट में रिटर्न नहीं कर पाते, क्योंकि ये कई साल जो है वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में पड़े रहते हैं कहीं पे अटके हुए, ठीक है, जो अपने जहाँ से सोर्स था वहाँ पे वापस पहुँच नहीं पाते। तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट साइकिल। तो जैसे फॉस्फोरस होता है ये इसका प्राइम एग्जाम्पल होता है, एंड फॉस्फोरस के पीछे एक दिक्कत क्या होती है, ये वाटर सॉल्यूबल नहीं होता, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉब्ली इस बार एक क्वेश्चन आया था फर्टिगेशन को लेके, तो याद है प्रॉब्ली, या तो 2021 में था या फिर 2020 में था, ट्वेंटी फर्टिगेशन को ट्वेंटी लेके। में था सर, हाँ आई थिंक उसमें ये था कि फॉस्फेटिक या फिर ऑल फॉस्फेटिक वो डिसॉल्व हो जाते हैं उसमें। मैं देखना वो क्वेश्चन भी हो। हाँ ये रहा, तो ये वाला क्वेश्चन आया था, फर्टिगेशन का एडवांटेज क्या होता है। तो पहले किसी को पता फर्टिगेशन क्या होता है? फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन इज इक्वल टू फर्टिगेशन, मीन्स करेक्ट। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर्स का मिक्सअप। मतलब आप क्या करते हो, ड्रिप इरिगेशन करते हो ना, तो उसमें फर्टिलाइजर मिला के ही पौधों को दे देते हो, फिर उससे फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज होता है वो भी एक तरीके से प्रिवेंट होता है, एंड दूसरा उसको एक ऑप्टिमल अमाउंट में वो फर्टिलाइजर भी मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये ऑप्शन, इसमें जो कौन सा ऑप्शन था, रॉक फॉस्फेट वाला जो ऑप्शन था सेकेंड वाला, इसमें गलत था, तो इसका आंसर सी हो जाना था। ये जो रॉक फॉस्फेट होता है ये बेसिकली सॉल्यूबल नहीं होता वाटर के अंदर, दैट्स व्हाई
हम जो है क्या नाम बोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि ये जो रॉक फॉस्फेट है या जो फॉस्फेट न्यूट्रिएंट है वो इतना परफेक्ट एक साइकिल नहीं क्रिएट करता, क्योंकि बहुत सारे समय तक ये सेडिमेंटरी रॉक के फॉर्म में पड़ा रहता है कहीं से, ठीक है। तो इसलिए इसको इम्परफेक्ट साइकिल के अंडर लेते हैं हम लोग। तो गैसीय साइकिल में बात करें तो इसमें एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर उसका एक साइकिल चलाता है। सेडिमेंट्री में बात करें तो मोस्टली अर्थ के इनफैक्ट क्रस्ट सर में। 2021 में भी क्वेश्चन था फास्फोरस साइकिल से कि इसका जो मेन ओरिजिन होता है वो मतलब रॉक का डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। हाँ क्वेश्चन याद है क्या करना? हाँ एक सेकंड बताता हूँ सर। ये रहा ये रहा ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 देख। विच ऑफ द फॉलोइंग बायो जियो केमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ द रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कार्बन नाइट्रोजन, ये तो परफेक्ट गैसेस साइकिल है। सल्फर भी सेम ही चीज को एक तरीके से आता है कैटेगरी में। तो ये जो फॉस्फोरस वाला है ये रॉक सेडिमेंट्स के थ्रू निकलता है, तो सही है। अगर आपको ये वाला पता होता पॉइंट तो ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता, राइट। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। सो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स द अर्थ क्रस्ट, इसके अंदर हम फॉस्फोरस सल्फर साइकिल कैल्शियम साइकिल एंड मैग्नीशियम साइकिल ये सब देखते हैं, जिसमें से फॉस्फोरस एक मेजर इम्पेडिमेंट रहता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं। ठीक है तो कार्बन साइकिल की बात करते हैं। हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में थर्ड मेजर गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन से बनती है एंड इट इज नेसेसरी बिकॉज फोटोसिंथेसिस इसी के थ्रू होता है। तो जितने भी प्लांट्स है या फाइटोप्लांकटन है इसी के थ्रू खाना का बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम आई थिंक इसे देख लेते हैं, तो कार्बन फ्रॉम द एटमोसफियर मूव्स इन टू ग्रीन प्लांट्स और फाइटोप्लांकटन थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड फिर उस प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, तो वो जो सारा कार्बन है वो एनिमल्स के अंदर चला जाता है एंड एनिमल्स जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन या डिकम्पोजिशन के थ्रू रिलीज करते हैं। या तो वो सांस के थ्रू CO2 छोड़ देंगे, नहीं तो वो जब खुद खत्म हो जाएंगे तो डेड उनका जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो रिलीज होके एनवायरनमेंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। सो एक ये इसमें इशू रहता है, ठीक है। तो एक अगर जैसे पता हो परमाफ्रॉस्ट एक चीज होती है, परमाफ्रॉस्ट पता है किसी को परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? हाँ सर या बता जो दीजिए। परमानेंटली स्नो कवर्ड सॉइल होती है ना। हाँ तो मतलब हायर एल्टीट्यूड में या फिर जो हायर लैटिट्यूड्स जो होते हैं वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट मतलब ऐसा लेयर जो परमानेंटली सॉइल के जो लेयर है वो बिल्कुल जमा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जो उस लेयर के अंदर फंसे हुए हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, ये परमाफ्रॉस्ट जो है ये जो इसका जो कूलनेस था वो खत्म हो रहा है और धीरे धीरे हीट होके इसमें जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स थे वो बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो बाहर आएंगे तो उनका डिकम्पोजिशन होगा और CO2 रिलीज होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग से बेसिकली ये परमाफ्रॉस्ट उगलेगा और फिर ये फर्दर ग्लोबल वार्म। सर उसमें सर CO2 नहीं निकलेगा, मीथेन निकलता है। देन वो 10 to 20 years बाद वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है परमाफ्रॉस्ट से। हाँ और ये जो मतलब आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक ओशियन है सर, वहां पे जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, तो रशिया में काफी ज्यादा इसकी प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट, क्योंकि रशिया में वो ऑयल माइनिंग कर रहे हैं, वो लोग खुश हो रहे हैं कि ये पिघल रहा है हमें ऑयल मिलेगा। तो उस सेंस में हाँ राइट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सारा ही मीथेन ही निकल रहा है, CO2 भी निकलता है, क्योंकि जैसा भी हमने पढ़ा ऐसा तो फिर सब जगह से ही मीथेन निकल रहा होता ना, फिर तो दिक्कत ही नहीं होती। नहीं नहीं सर तो आपकी बात सही है, मतलब मेजरली मैंने बताया कि मीथेन ज्यादा हो रहा है। हाँ मतलब ये सारी चीजें निकल रही है, इसके अलावा बहुत सारे पुराने पड़े हुए बैक्टीरियाज भी निकल रहे हैं, तो डिजीज का भी खतरा है कि एपिडेमिक निकल जाएंगे। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले कोई वुल्फ का कारकेस निकला था उसमें से, तो उसमें पता नहीं कौन से खतरनाक बैक्टीरियाज भी निकले थे। तो ये चीज पता होने चाहिए कि परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है इसकी वजह से एंड उसकी वजह से फर्दर ये CO2 या मीथेन ऐसे ग्लोबल वार्मिंग गैस निकलेंगे, ठीक है। तो ये ब्रॉडली था CO2 साइकिल। आई थिंक इसी चीज को एक्वेटिक उसके अंदर भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव एड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ, तो बताओ इसमें क्या क्या होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन। C 2 3 4 2, 3, 4, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस में है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, तो अर्थ के अंदर वो चीज़ को नहीं ऐड करेगा, तो 2, 3, 4 ही राइट आंसर होना चाहिए। या राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फ्री एनर्जी, नेक्स्ट फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड, सी फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, लास्टली ऑक्सीजन इज टेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर वेपर आर। क्या होना चाहिए इसमें? तो आई थिंक इजी लग रहा है, ऑक्सीजन लेता नहीं है तो डी एलिमिनेट कर देते हैं। फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन ये भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज टू फॉर्म फ्री एनर्जी, ये भी गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो फूड बना रहे हैं वो स्टोर करने के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है, तो आंसर बी होना चाहिए इसका, ठीक है, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रोजनस साइकिल पे। राइट, तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा यही है जहाँ पे थोड़े बैक्टीरियाज के नाम देखने जरूरी हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, या फिर एसिटोबैक्टर हो गया, या फिर नाइट्रोसोमोनस या नाइट्रोकॉकस हो गया, तो अलग अलग स्टेजेस में ये अलग अलग काम करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन बात करें तो हम एटमॉस्फेयर में सबसे अबेंडेंट गैस है, ठीक है, तो नाइट्रोजन लेकिन हमारे जो प्लांट्स होते हैं डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें नाइट्रोजन का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को फिर ये यूज कैसे करता है? तो नाइट्रोजन को ये लोग बेसिकली सॉइल के अंदर उसका डिपोजिशन होता है, वहां से उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये नाइट्रोजन आप यहाँ पे देख रहे हो एटमोसफेयर में, ये एटमोसफेयर में कुछ तरीके से जा सकता है, जैसे लाइटनिंग हो गई तो उससे वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में बदल गया और सॉइल के अंदर आ गया। जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में बदल जाता है और सॉइल के अंदर आ जाता है। इसके अलावा देर आर सम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लेग्यूम प्लांट, तो लेग्यूम जितनी भी दालें होती हैं वो बेसिकली लेग्यूम्स होते हैं, तो उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा ना पूछ सकता है ये राइजोबियम क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता प्लांट, तो इसलिए ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, उसको गैसियस फॉर्म को कलेक्ट करता है एंड देन नाइट्रोजन जो है वो रूट्स के अंदर डाल देता है, ठीक है, ये राइजोबियम काम करता है। तो इसीलिए किसानों को बोला जाता है कि आप बीच बीच में दालों को ग्रो करते रहिए, ऐसा नहीं कि सारे टाइम कोई वीट उगाते जा रहे हैं, तो उससे जो है सॉइल की क्वालिटी डिप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इनफैक्ट जब इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ही इसीलिए था क्योंकि उन्होंने पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन किया था, तो उसमें उन्होंने यही टेक्निक्स निकाली थी कि कैसे इंटरक्रॉपिंग करनी है या फिर डाइवर्स क्रॉपिंग करनी है, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ निकाला था सबसे पहले। नेक्स्ट फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग कुछ सॉइल बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन को अमोनिया में क्रिएट करने के लिए वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया कॉल्ड एजिटोबैक्टर, ठीक है, तो एजिटोबैक्टर उसको अमोनिया के फॉर्म में क्रिएट कर देता है, ठीक है। अगर वो एरोबिक प्रोसेस में कर रहा था इट्स कॉल्ड एजिटोबैक्टर, अदरवाइज अगर एनारोबिक यानी एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन उसकी प्रेजेंस में कर रहा था तो इट्स कॉल्ड रोडोस्पाइरलियम, ठीक है। तो इतना पॉपुलर नाम नहीं है, ज़्यादातर हम एजिटोबैक्टर ही यूज करते हैं, बट अगर याद रहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो दिस अमोनिया इज देन नाइट्रिफाइड, यानी उसका नाइट्राइट के फॉर्म में बनाया जाता है, तो ये कौन करते हैं, ये दिस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज डन बाय नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोसोकोकस, ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। एंड ये जो नाइट्राइट्स हैं एन आई, ये थोड़ा डिफरेंस देख लेना, स्पेलिंग में डिफरेंस है और केमिकल फॉर्मूला में तो डिफरेंस है ही है, तो ये जो नाइट्राइट्स हैं इनको फर्दर नाइट्रेट्स में बदलता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, और ये जो नाइट्रोबैक्टर है फिर सीधा जो है प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है। तो हमने कौन कौन से बैक्टीरियाज देखे, एक तो सॉइल के अंदर डायरेक्टली कुछ प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन सॉरी ये एटमोसफेयर में से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं सॉइल में। इसके अलावा वी हैव बैक्टीरियाज कॉल्ड एजिटोबैक्टर, जो कि बेसिकली जो नाइट्रोजन को है अमोनिया में बदल देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमारे पास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं कॉल्ड नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोसोकोकस, वो नाइट्रिफिकेशन करके नाइट्राइट्स बना देते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं नाइट्रोबैक्टर बोल के, वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो
मोर और लेस यही है। इसके बाद जो प्लांट्स हैं उनको एसिमिलेट कर देते हैं इन मिनरल्स को एंड अपने फंक्शनिंग में इनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है ये वापस कैसे जाता है। तो वापस जैसे लेट्स से ये किसी रैबिट ने उस प्लांट को खा लिया या प्लांट खुद ही मर गया, ठीक है, तो डिकम्पोजर उसको बेसिकली ब्रेक डाउन कर देंगे। वो ब्रेक डाउन से वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेम साइकिल चलेगी, नाइट्रेट्स तक आएगा और उसके बाद कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं जिन्हें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, यानी इस कंपाउंड को या इस मॉलिक्यूल को वो ब्रेक डाउन करके फ्री नाइट्रोजन निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं एग्रीकल्चर जो है काफ़ी एनर्जी एक्सपेंसिव है या एनवायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है हम जो एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि हम जो इतना फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें ज़्यादातर यूरिया होता है। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड होता है ये, ठीक है, यूरिया। तो ये अल्टीमेटली ये सेम प्रोसेस चलता है लेकिन यहाँ पे हम लोग डालते हैं, तो फिर फाइनली वो जब डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो है उसको रिमूव करते हैं तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है काफ़ी बढ़ जाता है। ये नाइट्रस डाइऑक्साइड होती है, एक पॉल्यूटेंट भी है और साथ ही साथ एक ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, GWG। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर जो है सस्टेनेबल नहीं है। इनफैक्ट COP26 में भी यही बोला था कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडीज कम करें और उसको थोड़ा रीजनेबल बनाएं, तो इंडिया ने उस एग्रीमेंट में साइन करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये करंट से लिंकेज है इस चीज़ का। तो आई होप समझ में आया हो ये नाइट्रोजन साइकिल वाला। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक दो बार ट्राई करना, ये बैक्टीरियाज के नेम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को कुछ ऐड करना है क्या नाइट्रोजन साइकिल में? सर, जो ये आपने एनारोबिक में बताया था ना, एक बैक्टीरिया का नाम रोडोस्पाइरिडियम, इसमें एक और होता है क्लॉस्ट्रिडियम, जो सुना होगा आपने सांबा लेक में भी, और डेड जोन जब बनते हैं तो ये काफी हार्मफुल होता है। हाँ, आई थिंक अभी सांबर में तो, हाँ वो तो दूसरा बैक्टीरिया था, वो था एबियन बॉटुलिज्म था। हाँ तो वो डिफरेंट था, ये क्लॉस्ट्रिडियम बोल ये रहा हूँ। मतलब डेड जोन ऑफ ओशन, ये भी एनारोबिक उसमें ही होता है फॉर्म। राइट, तो डेड, हाँ डेड के तो वैसे ही मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन ही हो गया। राइट, तो क्लॉस्ट्रिडियम भी इसमें एक एडिशन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बैक्टीरियाज हैं। आई थिंक थोड़ा सा नाम इम्पोर्टेंट हो ना तो इजीली पता रहेगा कि हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रोसेस है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन वगैरह वगैरह। और सर, जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होता है उसका जो बाय प्रोडक्ट एक निकलता है, वो मीथेन निकलता है उससे, इस प्रोसेस में। अगेन एक ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, तो या तो और कुछ ऐड करना है क्या आपको? ओके, सर तो हाँ यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा था, लाइटनिंग हो गया, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जबकि फिर सॉइल में भी मिल जाता है कई बार, वो फ्रीली एटमॉस्फेयर में भी रहता है, तो वो एक एग्रीकल्चर के लिए यूजफुल भी है एंड थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में वो ग्रीन हाउस गैस का फॉर्म में भी रह सकता है, तो वो थोड़ा सा एक डबल एज स्वॉर्ड है उस सेंस में। सो ये सब हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया, देखना हो तो एक बार वापस देख लेना। तो ये वाला पढ़ लेते हैं एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स और एड नाइट्रोजन टू द सॉइल? फर्स्ट इज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स, नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, थर्ड इज डेथ ऑफ वेजिटेशन। क्या आंसर होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ द अबव। राइट, ऑल ऑफ द अबाउट, क्योंकि अभी हमने देखा इंसान जो वो यूरिया डालते हैं बट इंसान या एनिमल्स के एक्सक्रीटा में भी यूरिया ही निकलता है, तो वो डेफिनेटली ऐड करता है। एंड अगर आपने देखा होगा यूरिक वो, एसिड निकलता है सर, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। बट होता तो शायद में यूरिया ही है ना, हाँ सर, मैं स्पेसिफिक नाम बता रहा था बस। स्पेसिफिक नाम बता, तो वो यूरिक एसिड निकलता है। इसमें टू टू वाला मतलब बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, तो ये नाइट्रोजन सॉरी कह हाँ, तो कोल में बेसिकली क्या होता है कि हमने एक ऑर्गेनिक मैटर को भी जलाया है। ठीक है, तो
उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन तो प्रेजेंट था ही ना उस ऑर्गेनिक मैटर में, तो बर्न करके उसको वापस सॉइल में डाल रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन सॉइल में तो जा रहा है। पर एक और चीज वैसे भी है ना, बर्निंग ऑफ कोल को, किसी भी चीज की हम बर्निंग कर रहे हैं ना, तो एयर एयर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन 21% है, बाकी 79% तो नाइट्रोजन है, तो वो भी तो वो हो रहा है ना, कंबशन उसका भी। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मतलब मैटर है, तो उसके अंदर ये कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, सब सब एलिमेंट्स है, तो वो जलेगा तो फिर वो अल्टीमेटली सॉइल में जाएगा। तो स्टबल बर्निंग जो वो कर रहे थे ना, तो उसके पीछे वो रीजन भी यही दे रहे थे कि हम लोग, मतलब एक तो वो अपना टाइम भी बचा रहे थे, दूसरा ये भी था कि उससे थोड़ा मिनरलाइजेशन हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं ध्यान दे रहे थे कि वो सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी खत्म हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो एकदम विन विन सिचुएशन है, उसमें लॉस भी हो रहा है उनका। और इसके अलावा डेथ ऑफ वेजिटेशन, वही सेम चीज हो गई कि मरेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो नाइट्रोजन बनाएगा। तो राइट। ओके, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट रहता है, ज्यादा हो जाता है एटमोसफेयर में, तो एसिड रेन भी बना देता है, तो वो एक इश्यू है। एंड एनिमल का एक्सक्रीटा वाला पॉइंट हमने देख ही लिया। इसके अलावा स्मॉग एसिड रेन वाला पॉइंट भी क्लियर ही है। स्मॉग जो है बेसिकली पता ही होगा, एक पॉल्यूटेंट है। चलो, इसको पॉल्यूटेंट वाले चैप्टर में और ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आई थिंक और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, एक बार आप लोग भी देख लो, कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट लगता है तो इसमें से पॉइंट आउट कर देना, अदरवाइज आई थिंक सब कुछ डिस्कस हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे इसने ये चीज़ को कंटेंड किया, यूपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर की था इसने 1 एंड 3 दिए, तो एक बार चेक कर लेना कि खुद भी जस्टिफाई कर रहा है कि ऑल 3 होना चाहिए। बट ये वाला पॉइंट आई थिंक इंक्लूड नहीं है, बर्निंग ऑफ कोल वाला, बट होना तो इससे भी सही है। तो किसी को अगर प्रॉपरली आइडिया हो इस पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया, या फिर बाद में देख लेंगे। सर यूपीएससी एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना देता है, वो तो हाँ, सिर्फ मतलब हाँ ऑर्डर करता है, जजमेंट देता है अपनी। हाँ राइट। एंड आंसर आने के बाद कोई सर कंटेंट भी नहीं कर सकता क्योंकि पूरा रिजल्ट आ लाइक गया होता है। 2020 में क्वेश्चन था वो ज्यूडिशियल रिव्यू वाला, तो सर आंसर की में आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग उन्होंने सही माना था, यूपीएससी ने वो एकदम गलत, नाइदर वन नॉर टू वाला ऑप्शन करेक्ट कर दिया था। आई थिंक ब्रॉडली कंसेंसस यही भी है, लॉजिक भी यही है कि बर्निंग कोल को बर्न करने से नाइट्रोजन तो जाता ही है उसमें, तो ठीक है सर एनीवेज। ट्रेस अमाउंट में तो निकलेगा ही ना हाँ कॉल के अंदर से, करेक्ट करेक्ट। और ऑलवेज सर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एकदम ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। तो ठीक है, एरर मान सकते हैं हम इसको, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द अबव इज और आर एमिशन फ्रॉम कोल कंबशन एट थर्मल पावर प्लांट, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव, इसका भी अगेन ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि कोल से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी निकलते हैं और बहुत सारे इस टाइप की गैस भी निकलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर ये था। हाँ, नेक्स्ट इज, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इन और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट इज प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन सॉइल कैन ऑकर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। थर्ड, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड कैन ऑकर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? टू एंड थ्री ऑप्शन इसका 2 एंड 3 सी। हाँ, तो अगर हम ज़्यादातर नाइट्रोजन डालते हैं तो उससे एसिडिटी भी इंक्रीज हो सकता है, नाइट्रेट जो है वो ग्राउंड वाटर में चले जाए ये भी हो सकता है, एंड प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन ऑकर। तो ये वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला क्यों नहीं हो सकता? सर, ये पॉज नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो उनका प्रोलिफ्रेशन क्यों होगा सर? वो सिर्फ उनका काम क्या होता है कि वो सिर्फ जो नाइट्रोजन आता है सर उसको फिक्सिंग करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन में थोड़ा इंक्रीज होगा। हाँ करेक्ट। तो मतलब फर्टिलाइजर डालने से ऐसा उनकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ठीक है, तो उसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है इससे। तो 2 एंड 3 डायरेक्ट रिलेशन। तो नाइट्रिफिकेशन हमने देखा था इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
where fertilizers is often applied as ammonia. The conversion of ammonia to nitrate increases nitrogen leaching because nitrate is more water soluble. So agriculture fertilization may use of nitrogen fixing plant also contribute to atmospheric nitrogen by promoting nitrogen fixation by microorganisms. तो एक्सेसिव नाइट्रोजन से एसिड ड्रेन हो सकता है और एसिड ड्रेन से पीएच जो है वो डिक्रीज हो सकता है. तो यानी एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है. तो पीएच और एसिडिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो पीएच जो लेवल है वो कम हो रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए. तो उस सेंस में ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उस पर कोई डायरेक्टली असर नहीं होगा. तो आंसर जो है इसका 2 और 3 होगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज मिथेन साइकिल. तो मिथेन अगेन एक कार्बन कंपाउंड है एंड ये सर इसमें नाइट्रोजन के एप्लीकेशन से सर क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब लाइक वो कहाँ कहाँ से रिलीज हो सकता है. तो बायोमास बर्निंग में, झूम कल्टीवेशन, फॉरेस्ट फायर्स, गार्बेज बर्निंग, कोल एंड व्हीकलर पॉपुलेशन पॉल्यूशन, देन पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी रिलीज होता है, देन कैटल रियरिंग से भी इंक्रीज होता है. Then एक क्वेश्चन सर ये बनता है कि जो यूट्रोफिकेशन होता है उसमें कौन से दो फर्टिलाइजर मेन होते हैं? एक तो सर नाइट्रोजन होता है, दूसरा कौन सा होता है? फास्फोरस. फास्फोरस, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है. देन सर इसका एक बायो टॉयलेट्स रिलेटेड एक बार क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में, तो उसमें ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये यूज होते हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था CH4. तो उसमें CH4 के साथ CO2 और वाटर वेपर भी रिलीज होता है. तो डीनाइट्रीफाइंग है तो नाइट्रोजन भी रिलीज करवाओगे ना? NO2 भी रिलीज करवाओगे ना डीनाइट्रीफाइंग है तो CH4 के अलावा और CO2 के अलावा? वाटर वेपर होता है सर. तो CO2 की जगह वाटर वेपर होता है. लेकिन उसको उसी टॉपिक में करते हैं, अदरवाइज थोड़ा अपने को यहाँ डिले हो जाएगा. तो पॉल्यूटेंट वाले चैप्टर में उस चीज को देख लेंगे ना, ठीक है. पैडी कल्टीवेशन का भी देख लेना, इसमें से भी अगेन मिथेनोजेंस होते हैं बैक्टीरिया जो रिलीज करते हैं. इसके अलावा नाइट्रीफाइंग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. तो यस, वो वाली चीज है. कोई और भी कुछ कह रहा था कि RNS में कुछ कह रहा है? UNEP का सर एक प्रोग्राम भी है, नाइट्रोजन फॉर लाइफ. UNEP नाइट्रोजन फॉर लाइफ, ठीक है. ऐसा कुछ कह रहे थे क्या? वन मोर, कोलंबो डिक्लेरेशन इज आल्सो देयर शायद ना, टू हाफ द एमिशंस ऑफ नाइट्रोजन. कोलंबो डिक्लेरेशन, कोलंबो डिक्लेरेशन भी देख लेना एक बार, ये भी इम्पोर्टेंट है सर. ये इसी का ही पार्ट है, नाइट्रोजन फॉर लाइफ का रोड मैप है बेसिकली. राइट, ठीक है. तो ये चीज का थोड़ा माइंडफुल रहना कि कोलंबो डिक्लेरेशन आता है या N2 for life से तो पता ही लग जाएगा. कोलंबो डिक्लेरेशन आता तो ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन को बेसिकली उसका जो लेवल है एटमॉस्फेयर में उसको कम करने से रिलेटेड है. ऑलराइट, अमोनिया की सॉरी मीथेन की बात कर रहे थे. सो नेचुरल गैस है, ओडरलेस, टेस्टलेस और लाइटर देन एयर है. इसका जो ग्रीन हाउस या ग्रीन वार्मिंग पोटेंशियल है वो CO2 से ज़्यादा, यानी जैसा आई थिंक पहले बताया था कि ऑलमोस्ट 10 times ज़्यादा ग्रीन हाउस पोटेंशियल है इस गैस का. तो इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होना इस हार्मफुल, ठीक है. सो इसका जो लाइफ है 20 years रहता है, उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 के अंदर, ठीक है. तो ये एक चीज़ है इसमें. नेक्स्ट इसका एमिशन का बात करें तो वेटलैंड से निकलता है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मिक्रोजेंस रहते हैं, और कई माइक्रोब्स जो होते हैं उनके गट में से ये मिक्रोजेंस या इथेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है. इसके अलावा ओशन जो है उसके अंदर, ओशन एक तरीके से सोर्स की तरह काम करता है. सॉरी, द सोर्स ऑफ मिथेन फ्रॉम ओशन इज नॉट एंटायरली क्लियर, बट टू आइडेंटिफाई सोर्स इंक्लूड एनारोबिक डाइजेशन इन मैरीन जू प्लांकटन फिश एंड ऑल्सो फ्रॉम मिथेन प्रोड्यूस इन सेडिमेंट्स एंड ड्रेनेज, ठीक है.
इनफैक्ट आई थिंक कुछ कोस्टल एरियाज के अंदर भी, या फिर आई थिंक मार्शी लैंड्स में कंसीडर कर सकते हैं, वहां से भी मिथेनोजेंस होते हैं, तो वहां पे भी मीथेन का प्रोडक्शन वो लोग करते हैं. नेक्स्ट मीथेन हाइड्राइड्स होते हैं, तो अभी आई थिंक ये थोड़ा एनर्जी सोर्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा इम्पोर्टेंट है. हाइड्राइड्स होते हैं ये, तो बेसिकली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो आजकल इनको हार्नेस कर रही है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है. बट यस, ग्रीन वार्मिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो CO2 होता है. तो अगेन उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, और एक ड्रॉबैक इस चीज़ का ये है, ठीक है. दूसरा, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, एंड इसको निकालने के लिए बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो जाएगा, इसलिए इंडिया अभी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है. looking at more cleaner sources of energy like electricity etc. so ye is the next ocean acidification, climate change or any other anthropogenic disturbance can destabilize the kelp threads and lead to the release of immense amount of methane, okay, which will result in mass extinction. so earth ke andar ye jo सब सरफेस लेवल है या सी सरफेस के नीचे जो रॉक्स हैं वहाँ पे मीथेन के अच्छे खासे सोर्स हैं. इवन अगर आप कोल माइनिंग में देखते हो तो कोल के सीम्स जो होते हैं उस वहाँ पे भी मीथेन प्रेजेंट रहता है, तो उसको CBM बोलते हैं, कोल बेड मीथेन, ठीक है. पहले इसके लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, कोल माइनिंग का अलग लेना पड़ता था, लेकिन अब जो रिसेंटली MMDR एक्ट के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट किया, उसमें इन दोनों के लिए अलग लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. आप एक ही लाइसेंस से कोल की माइनिंग भी कर सकते हो और CBM का एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो. CBM कोल बेड मीथेन होता है, ठीक है, ठीक है. अगेन मीथेन हाइड्राइड्स इज आल्सो ट्रैप्ड इन परमाफ्रॉस्ट, तो ये वाला बात कर ही लिया था हम लोगों ने, और कुछ देखने की जरूरत नहीं. डायग्राम में यह थोड़ा अच्छे से दिखा रखा, तो देख लेना किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है इस पर. नेक्स्ट पे चलते हैं, तो परमियन एंड ट्रायसिक एक्सटेंशन, थर्ड मास एक्सटेंशन, ठीक है. तो हमने ये वो एक्सटेंशन वाला एक देखा था वहाँ पे, आई थिंक कल के करंट अफेयर्स में ही हमने ये देखा था, सिक्स मास एक्सटेंशन की बात हो रही थी, तो वहाँ पे हमने ये TNT एक्सटेंशन इवेंट की भी बात करी थी. तो यहाँ पे बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ट्रिगर हुआ था, मतलब स्पेक्युलेशन है ऐसा, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था नोबडी नोज, बट एक स्पेक्युलेशन ये है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये चीज़ हुआ था, ठीक है. और इसके अलावा कुछ और सजेस्टेड कॉज, एक लार्ज मीटियर इंपैक्ट हुआ था मैसिव, उसकी वजह से मैसिव वोल्केनिज्म हो गया था, और जिसकी वजह से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस जो है वो बाहर निकल गई थी, फर्दर उसने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है. तो ये चीज़ है इसके अंदर. अगेन आई थिंक इस पर भी शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है UPSC ने, कि इनमें से कौन से सोर्स से मीथेन निकलता है, या प्रॉब्ली या तो मीथेन था या नाइट्रोजन था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था. तो ये एग्रीकल्चर फॉसिल नाइट्रोजन था सर, नाइट्रोजन से रिलेटेड था. हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मीथेन से रिलेटेड सोर्स देख लो, तो एग्रीकल्चर फॉसिल फ्यूल वेस्ट से भी निकल रहा है, ठीक है. तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है, फॉसिल फ्यूल से ये दो चीज़ निकल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मीथेन को है हम एक तरीके से फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, तो ये और फॉसिल फ्यूल्स के एमिशन से भी निकलता है, ठीक है. तो और तो कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट. ठीक है, किसी को कुछ और इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो बोल सकता है. ये फॉसिल फ्यूल में कोल बेड मीथेन का भी हमने बात कर लिया है. लाइव स्टॉक जो होते हैं उनके गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो भी मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए एनिमल के जो एक्सक्रीटा जो होता है जैसे काउ डंग हो गया, उसमें भी मीथेन का प्रोडक्शन होता है, इसलिए एनिमल रेयरिंग इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट अनफ्रेंडली, ठीक है, वो प्रैक्टिस है. राइस कल्टीवेशन की हमने बात कर ली, बायोमास बर्निंग की भी हमने बात कर ली. आई थिंक वो जो पॉइंट है कि उसमें से नाइट्रोजन भी निकलता है और कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स भी निकलते हैं, तो वो चीज़ आई थिंक सही है उस सेंस में. तो अब नेक्स्ट मीथेन सिंक देख लेते हैं. तो एनी प्रोसेस दैट कंज्यूम मीथेन फ्रॉम द एटमोसफेयर इज नोन एज मीथेन सिंक. सो सॉइल एक्ट एज अ मेजर सिंक फॉर एटमोस्फेरिक मीथेन थ्रू द मेथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया दैट रिसाइड विद इन देम, ठीक है. तो एक बैक्टीरिया जो होता है मिथेनोजन वो प्रोड्यूस करते हैं मिथेन, और मिथेनोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है उनको कंज्यूम करते हैं और सॉइल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है.
तो ये चीज पता होना चाहिए, मिथेनोसिंक में मिथेनो ट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है वो बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं मीथेन को, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से सिंक की तरह काम कर सकते हैं। एंड ठीक है, ये इसमें इम्पोर्टेंट और कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, ठीक है। कोई ये वाला रीड कर दो फिर क्वेश्चन। Which of the following statements are correct about the deposits of methane hydrate? So this question was asked in 2019 prelims. So first statement is global warming might trigger the release of methane gas from these deposits. Large deposits of methane hydrates are found in Arctic tundra and under the sea floor. Third statement, methane in atmosphere oxidizes to carbon dioxide after a decade or two. So options are 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and all. All of the above. ऑल ही लग रहे हैं ना सारे, अभी हम लोग वन एंड टू होगा शायद, वन एंड टू होगा, नहीं ऑल ऑफ द डी होगा डी। अब हाँ ओके, अभी देखो ये तो पढ़ा ही था कि ऑलमोस्ट वन से लेके टू डिकेड में ही डिकम्पोज होता है और सीओ टू बन जाता है अल्टीमेटली। और ये भी हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी मीथेन से ही बना है, तो वहां से डिपॉजिट में से अगर हम निकालते हैं तो मीथेन गैस भी निकल सकता है। तो सारी ट्रू है इसमें, तो डी ऑल इज ट्रू। नेक्स्ट फॉस्फोरस साइकिल देख लेना। तो किसी और ने पढ़ा है क्या चैप्टर, या एक्सप्लेन कर सकता है फॉस्फोरस साइकिल पहले तो ये बता दो। सर मेरे नोट्स में 3 पॉइंट थे और 3 पॉइंट से मेरा क्वेश्चन हो गया था 2021 का, हाँ वो रीड आउट कर दूं क्या मैं अपने? हाँ कर दो, कोई नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट है, फास्फोरस इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। इट इज रिलीज्ड व्हेन एवर द रॉक्स ब्रेक और ड्यूरिंग इरोजन और गेट मिक्सड विथ ओशियन वाटर एंड एक्यूमुलेट्स एट द ओशियन बेड। Then second point है, excessive phosphorus is responsible for eutrophication because phosphorus is a major nutrient in the aquatic ecosystem. Last point है, soil is also a major sink of phosphorus because microorganism helps in fixing the phosphorus to form phosphate rocks. सिर्फ इतने ही point थे। सही है। तो आई थिंक ये डायग्राम में भी प्रेटी मच एक्सप्लेन हो रहा है कैसे, एक तो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं ये बेसिकली, तो उसकी वजह से ये एक इम्परफेक्ट साइकिल होती है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये जो रॉक्स होते हैं ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। ये डिजोल्व भी नहीं होता वाटर में, हमने पढ़ा था फॉस्फेट डिजोल्व नहीं होता वाटर के अंदर, तो ये काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहता है। एंड धीरे धीरे वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इधर उधर ट्रैवल करके एंड ऐसे करके ये सॉइल में पहुंचता है, एंड वहां से फिर प्लांट्स के थ्रू, प्लांट्स के और किसी मैकेनिज्म के थ्रू ये वापस सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ये चीज़ चलता है। और आई थिंक इंडिया में अगर हम बात करें तो हमने कल पढ़ा भी था कि जो फॉस्फेट के जो बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था कि सॉइल को क्या चाहिए होता है, तो 3 मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं NPK, तो जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एंड के का पोटेशियम जो पोटाश के फॉर्म में चाहिए होता है, ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में यूरिया की जो प्रोडक्शन है विच इज नाइट्रोजन बेस्ड, वो फिर भी ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% हम हमारा जो डिमांड है वो मीट कर पाते हैं, बाकी 20% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। बट ये जो दोनों हैं फॉस्फोरस एंड पोटाश, ये मोस्टली इम्पोर्ट के थ्रू इंडिया में सेल्फ सफिशियंट है, मतलब सेल्फ सफिशियंट नहीं है और इम्पोर्ट के थ्रू हम लोग प्रोक्योर करते हैं, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए, बाकी आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं देखना इसके अंदर डिटेल में क्या क्या होता है। सर फॉस्फोरस के हम 45% मतलब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, 55% उसका इंपोर्ट करते हैं। और 3 टाइप के फॉस्फेट वो होते हैं जो मेजरली हम यूज करते हैं, एक होता है डायमोनियम फॉस्फेट, देन एक मोनोअमोनियम फॉस्फेट, देन एक ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है।
कुछ और कोई डिफरेंस है क्या मतलब इनमें, याद रखने लायक? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ मैक्रो वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मतलब आई थिंक एनपीके याद रख लो, और कितना इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से कितना किसमें सेल्फ सफिशिएंट है उतना याद रखो, कि तो मोर देन इनफ, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक तो ये फिर डन हो गया फर्स्ट फेज वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं सल्फर साइकिल। सो सल्फर अगेन सेडिमेंटरी साइकिल का ही पार्ट है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम सल्फर जो होता है वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में रहता है। एंड हमें पता है अभी बायोमास का जो जैसी बर्निंग होती है तो उसमें भी वो रिलीज हो जाता है एयर में, और धीरे धीरे वो प्लांट जो है अगर उसको ब्रेक कर देते हैं तो वो जैसे डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में वो अर्थ के अंदर चला जाता है, तो वो लीच होके वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में वापस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सल्फर जो है मोस्टली सेडिमेंट्री फॉर्म में रहता है, बट जब ये गैसियस फॉर्म में होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट आता है एनवायरनमेंट। तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड थोड़ा सा एक पंजेंट स्मेलिक और एक शायद पॉइजनस गैस है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड अगेन डायरेक्टली तो पॉल्यूट टॉक्सिक नहीं है, बट इस इट्स अ पॉल्यूटेंट गैस और एसिड ड्रेन और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो हमें पता ही है वॉल्केनिक इरप्शन से एक तो मेजरली निकलता है, इसके अलावा कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और सरफेस के अंदर डाइमिथाइल सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब ओशन का एसिडिफिकेशन होता है तो उससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरने लगते हैं, वो मरने लगते हैं तो फिर डाइमिथाइल सल्फाइड उनकी बॉडी में से रिलीज होता है। ठीक है, तो इसलिए मतलब एक कह सकते हैं ना पूरा एक लिंक बनता है, तो वो चीज़ ऐसे बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग को एक तरीके से बढ़ रहा है, तो उससे जो इफेक्ट हो रहे हैं उससे और लोग कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक साइकिल बनता है, तो उसमें ये डाइमिथाइल सल्फाइड भी प्रोड्यूस होता है। आई थिंक एक यूपीएससी में इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को लेके भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे ओशन में से सल्फर निकलता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। आई एम नॉट श्योर डायरेक्टली क्या था, पर मेरे को मिलता है तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा ये वाला। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि ओशन से ये सल्फर निकलता है ऐसे। राइट, बाकी आई थिंक यार सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अ हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेज इट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। थर्ड, इरिगेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड। तो क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर सेकंड तो होगा नहीं स्टेटमेंट, फर्स्ट भी नहीं होगा क्योंकि ह्यूमस की हाँ वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। देन थर्ड, थ्री ओनली लग रहा है। थर्ड तो डेफिनेटली ट्रू है कि सैलिनेशन होता है एक्सेसिव इरिगेशन से। एंड हाँ, जैसे कि आई थिंक बोला कि ऑर्गेनिक कंटेंट होने से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो चीज़ आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड उस सेंस में गलत लग रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे लिखा तो हुआ भी यही है। सेकंड को तो हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे अगर जो सिर्फ नॉर्मल ये भी पता होता कि हमें गैशियस साइकिल कौन से होते हैं और सेडिमेंट्री साइकिल कौन से होते हैं। सेडिमेंट्रीज का मतलब ही होता है सॉइल, तो इसको क्या तो वो वैसे भी सॉइल में, एलिमिनेट कर सकते थे। करेक्ट, कभी ना कभी वो सॉइल में तो जाएगा ही। इनफैक्ट सारे ही कभी ना कभी सॉइल में जाते हैं, जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। गैस से गैस में तो कोई घूमता नहीं है, वो आना ही पड़ता है सॉइल के अंदर। तो या करेक्ट है, तो इसमें सिर्फ केवल थर्ड वाला पॉइंट सही था, बाकी सारे इनकरेक्ट थे। एंड सबको आई थिंक एक्सप्लेन भी हो गया होगा कि कैसे ये गलत था। ऑलराइट, ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। सर इसका एक बड़ा अच्छा एप्लीकेशन होता है, मतलब स्किन डिजीज से रिलेटेड सल्फर साइकिल का, जो हम देखते हैं कि काफी हिमालयाज में कोई ऐसी लेक होती है जहाँ पे कीमोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उसमें नहाने से स्किन डिजीजेस मतलब ठीक हो जाती हैं। और नॉर्मली इनफैक्ट जो जो हाँ गांव, स्किन रिलेटेड कोई मेडिसिन होती है उसमें भी सल्फर होता है। करेक्ट, गार्लिक होता है ना, गार्लिक लहसुन, तो उसमें भी अच्छे खासे अमाउंट में सल्फर होता है, तो रिकमेंड करते हैं कि अगर आप इसको खाते हो तो स्किन प्रॉब्लम जो है वो कम होते हैं। तो यस,
सही चीज बोली आपने कि वो सल्फर निकलता है तो वो स्किन सही करने के भी काम में आता है। ठीक है, तो इसके साथ तो ये फिफ्थ वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम्स पे। एक और एप्लीकेशन था सल्फर का, मतलब जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, सल्फेट एरोसॉल्स पूछे थे। तो ये यूज करते हैं हम, स्प्रे करते हैं इनको क्लाउड्स पे टू रिड्यूस इंसोलेशन। तो इसको क्लाइमेट इंजीनियरिंग मेथड्स में आता है ये मतलब पीवाईक्यू है। हाँ, ये वाला पूछता है ऐसा। एंड यस, वन मोर थिंग, जैसे जो एरोसोल होता है, एरोसोल की शीट्स आती हैं टू कीप द रूम और लाइक हॉल को थोड़ा सा कूल रखने के लिए, नो दैट गिव्स द एयर कंडीशनिंग इफेक्ट। सो उसमें जो अपनी सीलिंग होती है, सीलिंग के नीचे एयरसोल की शीट्स लग जाती हैं एंड उसकी वजह से ये जो ये इंजीनियरिंग वाला प्रोजेक्ट है ये हो जाता है। उससे क्या नेगेटिव फीडबैक्स हो जाती है, सो लाइक उससे ज्यादा से ज्यादा एल्बिडो हो पाता है। एल्बिडो में सर हम व्हाइट पेंट यूज करते हैं फिर टाइटेनियम ऑक्साइड। हाँ, आई थिंक वो साउंड क्लीडिंग, साउंड क्लाउड सीडिंग और एक फिनोमेना होता है ना, उसमें भी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल गेन करवाते। हाँ, तो सल्फर डाइऑक्साइड उसमें यूज होता है, सोडियम आयोडाइड आई थिंक शायद, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, उसमें पांच एलिमेंट यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस जिसको बोलते हैं सॉलिड CO2, या फिर लिक्विड प्रोपेन, या फिर हम कॉमन सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। और इंडिया में पाइनल स्टेट था तमिलनाडु क्लाउड सीडिंग के लिए। राइट, आई थिंक अभी लास्ट एक दो साल में शायद कर्नाटका ने यूज किया था, तब वापस न्यूज में आया था, तो ये चीज भी पता होना चाहिए कैसे होता है। बाकी ड्रॉबैक्स आई थिंक कॉमन ही है, सब लोग बता सकते हैं इसके। ठीक है, ऑल राइट यार, अभी वैसे 10 मिनट बचे हैं एंड एक पूरा चैप्टर बचा है, तो करना चाहिए या इसको नेक्स्ट में इंक्लूड करें? बोलो भाई लोग, क्या करना चाहिए? और सल्फर सर एक उसका एक और एप्लीकेशन है, जैसे हम डीप टिलेज करते हैं वहां से भी रिलीज होता है। मतलब ये सब यूपीएससी यूज करता रहता है ना ये वाले टर्म्स, तो इसीलिए सिर्फ बता दो। ठीक है, तो अभी ये बताओ ये वाला चैप्टर अब करना है या फिर इसको नेक्स्ट कल ही करें? ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया। तो होता है तो कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, तो फिर इनिशिएट करके वो छोड़ देना बीच में, तो कल दोबारा ही स्टार्ट ही करना पड़ेगा फिर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है ना। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, तो फिर कल करते हैं। आई थिंक आज का टारगेट तो फिर काफी पीछे रह गया, जो सोचा था 4 चैप्टर। संजय भैया, 4 चैप्टर नहीं हुए हैं, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा ऐसे तो, मतलब फिर डेली ब्रीच होंगे ना टारगेट्स, डेली ऐसा होगा, थोड़ा सा फास्ट रखना होगा। कल चैप्टर काफी मतलब कल एक छूटा था, 4 छूटे हैं। हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं ना कि चैप्टर्स डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब बोलने को बोला जाता था तो कोई बोलता नहीं है फिर, तो ऐसा करते हैं चैप्टर्स डिवाइड कर देते हैं। चलिए ठीक है, मैं कर कोशिश करूंगा अपनी साइड से अच्छा समझाने की, मतलब ट्राई टू। हाँ, ताकि ना उससे थोड़ा एक मेरे को भी थोड़ा वो फटीग हो जाता है एक डिमांड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली फिर स्लो हो जाता है मतलब। बट तो, गलत हो कहीं तो फिर आप लोग बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, अरे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ ऐसा होगा तो सब हेल्प भी। हाँ ठीक है, तो फिर कल से मैं ट्राई करूंगा। तो एक चैप्टर कल कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है पहले, तो अभी वॉलंटियर्स डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, अल्टीमेट आप कौन सा करोगे? संजय